नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल हैं आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं प्रेम से बोलेंगे राधे 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 और सुनाए क्या हाल चाल आपके सब मौज बहार हैं कि नहीं है हाँ सर जी ठीक है ईशु है संहिता है विवेक है ये क्या हम्म प्रियांशी है नमन है प्रीत है मंगलम है विवेक है सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीए इंटरमीडिएट के जीएसटी के इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में बस इतना ही कहना चाहूंगा इस बैच में हम खूब धमाल करेंगे और एट द एंड ऑफ द बैच आप फील करेंगे कि यस हमने कुछ किया है जो जीएसटी है उसके लिए एक सैंपल लिया जाएगा एट द एंड ऑफ द बैच ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसमें आपको पता लगेगा कि जीएसटी आपके ब्लड में पॉजिटिव है यह हमारा आज वादा है नमस्ते करते ही हमने सबसे पहले आपसे एक वादा किया है उसके बाद हम कुछ और बात करके चलेंगे अब चले आगे हाँ चलो जी तो आइए पहले मैं कुछ छोटी मोटी बात करता हूं यहां पर आकर लाइक like, हम अदरवाइज वे में समय को नहीं लगाएंगे एग्जाम करीब हैं आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं यही है क्योंकि जो बच्चा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ये देख रहा है कि हमारा जो सिलेबस है टक 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 जैसे ए के फोर्टी सेवन से गोलियां निकलती हैं वैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट जल्द से जल्द हो जाए ताकि हम और सब्जेक्ट के ऊपर भी कंसंट्रेशन कर सकें ठीक है सर जी तो आप अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए पतला सा सर कितना बड़ा जिसमें लगभग सौ पेजेस के आसपास का हो कि सौ पेजेस के अंदर हो तो इतना बड़ा रजिस्टर रख के चलेगी सर छोटा और आता भी क्या है है ना तो कभी कभी क्या है कि मुझे कुछ साइड में नोटिंग करवानी पड़ेगी तो उस नोटिंग के लिए वो रजिस्टर आपको लगेगा मैं पहले कुछ छोटी मोटी बातें बता दूं बैच के बारे में उसके बाद फिर हम चर्चा को थोड़ा फॉर्मली आगे बढ़ाकर चलेंगे बिकॉज आपके मन में कुछ ना कुछ छोटे मोटे डाउट्स यहां पर हैं कि सब इसका बताइए ये कैसे कैसे रहेगा हमारा तो थोड़ा उस पर रोशनी पड़ जाएगी तो अच्छा रहेगा तो रजिस्टर जो मैंने बोला है कि आपको कैरी करना अपने साथ में उस रजिस्टर में लिखिएगा जरा यहां पर आकर सी एंटर इंटर जी एस टी का हमारा सिलेबस है और जो आपका ये पेपर है टैक्सेशन का अगर हम बात करें ओल्ड सलेबस के अंदर जाकर कॉपी करना है आपने ये जी साहब अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस में जाकर तो वहां पर आपका जो इनकम टैक्स हुआ करता था सिक्सटी मार्क्स का और बाबू भूरा मेरे जीएसटी होता था आपका ये फोर्टी मार्क्स का ठीक है अगर मेरा अपना नवम बैच लिया था तो ट्रांजिशन क्लास आर ओके रुको मैं सब बता रहा हूँ सब बता रहा हूं रुकिए जरा ठीक तो इस तरह से आपका ये हंड्रेड मार्क्स का कंटेंट बनता था अभी हम बात करते हैं अपनी नई स्कीम के अंदर आकर ठीक तो इसमें आपका जो इनकम टैक्स है उसकी वेटेज घटा दी गई है और वो पचास नंबर का कर दिया गया है एंड आपका जो जीएसटी है इसकी वेटेज बढ़ा दी गई है क्योंकि जीएसटी का स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इसका भी कर दिया गया है पचास नंबर का ठीक इस प्रकार से आपका ये हंड्रेड मार्क्स का हो जाता है साहब सवाल ये उठता है कि यहाँ चालीस से आपके ये पचास नंबर कर दिए गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये प्लस जो टेन मार्क्स आगे हुए हैं तो आपका कंटेंट इसमें कितना प्लस हो गया है मालिक लिखना है आपने सभी सर लेक्चर नवंबर ट्वेंटी फोर के लिए एप्लीकेबल है क्या अरे बताए रहे हैं सांस तो लेने दीजिएगा ठीक है जी <coughs> तो आ, ये हो गया जी हमारा यहां पे आके कंटेंट इसमें क्या क्या बढ़ गया है आपका तो मैं बताऊं सीए फाइनल के थ्री चैप्टर्स सीए फाइनल के थ्री चैप्टर्स आपके कॉपी करके इधर आकर पेस्ट कर दिए गए हैं सीए फाइनल के तीन चैप्टर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिए गए हैं और वो तीन चैप्टर कौन-कौन से हैं भगवान झूठ ना बोलाए एक चैप्टर आता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का एक चैप्टर आएगा टीडीएस टीसीएस का एंड थर्ड वन इज बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे हाँ सर जी तो ये रहेगा आपका कंटेंट ऐसे करके सर ये चैप्टर बहुत भयंकर है अरे भयंकर हमारे पास है ना आप घबरा रहे हैं तो ये तीन चैप्टर्स यहां पर बढ़ गए हैं सवाल ये उठता है कि जो बच्चे नवंबर 2023 ट्वेंटी थ्री जिन्होंने दिया था और अब वो अपना इधर नई स्कीम में देने वाले हैं तो उनके लिए बेसिकली एक तो ये चैप्टर्स बढ़ जाते हैं साथ में जो छः महीने की अमेंडमेंट जो रेगुलर सरकार देकर चलती है वो बढ़ जाती है तो कैसे करें तो मैंने दो ऑप्शन उनको दे रखे हैं ऑप्शन नंबर एक ये कि इन तीनों चैप्टर्स का जो वीडियोस हैं वो मैं फ्री में आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी दे चुका हूं पहली बात और जो अमेंडमेंट्स आई हैं छः महीने की इस बार अमेंडमेंट थोड़ी सी ज्यादा आई हैं दरअसल तो अमेंडमेंट क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा ठीक दूसरा ऑप्शन मैंने ये दिया था कि देखो ये ऑल द चैप्टर्स ऑल द अमेंडमेंट्स वो सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर आकर इस बैच में वही पच्चीस एक आध लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है सत्ताईस मान लीजिए है ना तो इतने लेक्चर पच्चीस से तीस तक ले रेंज चलते हैं हम ट्वेंटी फाइव से थर्टी की रेंज पकड़ लेते हैं इतने लेक्चर्स हमारे इसके अंदर लग जाएंगे ठीक है नॉर्मली लेक्चर चले जाते हैं फोर्टी फाइव प्लस रेगुलर बैच के अंदर ही फोर्टी फाइव प्लस तक चले जाते हैं तो पच्चीस तीस के आसपास पास यहाँ पर पा लगने वाले हैं ठीक

रहा होगा ऐसा माना जा सकता है और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो भाई आप मेरा जो सी इंटरमीडिएट का जो जीएसटी रेगुलर है उसे लीजिएगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे भूरा ठीक है अगर बिल्कुल ही आप यह है कि नहीं यार मैंने कभी नहीं पढ़ा है मुझे जीएसटी का जी भी नहीं पता एस भी नहीं पता तो आप रेगुलर बैच ऑप्ट कीजिएगा एग्जाम ओरिएंटेड मत लीजिएगा ठीक सर ये है जनवरी का महीना अगली एक भयंकर क्वेरी आ रही है सर मेरा तो नवंबर 2024 में एग्जाम है अब मुझे बताओ मैं आपका कौन सा बैच लूँ जो ऑलरेडी हमारे पास में पीछे रिकॉर्ड किया हुआ वो वाला या फिर ये वाला तो मेरे बच्चा मैं आपको बता दूँ मेरा एक बैच फेब्ररी 2024 में भी आएगा ये मेरा लाइव बैच होगा और ये होगा मेरा फॉर नवंबर 2024 के लिए ये बैच मेरा आएगा ठीक फेबररी 2024 में नवंबर 24 के लिए मेरा बैच आएगा लाइव रेगुलर ये रेगुलर बैच होगा ये मेरा रेगुलर बैच होगा ठीक और जो अभी हम बात कर रहे हैं दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऐसे करके यहां पर बात करी जा रही है ठीक है ठीक जी क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी नहीं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है क्योंकि जो चीजें फ्री में दी जाती हैं दरअसल उनकी कोई वर्थ होती नहीं है ये आप मान लीजिएगा अगर आप इसे पैसे देकर खरीदेंगे तो आप आखिरी क्लास तक देखेंगे और अगर आप इसे फ्री में देखेंगे तो आप शुरू की पांच सात क्लास देखेंगे उसके बाद आपके दिमाग में इस बैच की वर्थ खत्म हो जाएगी कहां मिलेगा आपको ये बैच हम बताए रहे हैं यहां आइएगा डब्ल्यू 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 डॉट सी ए राजकुमार डॉट कॉम पर आप आएंगे और यहां पर यह है अपना इसका हमारा होम पेज यहां पर आकर लेक्चर्स में आइएगा सी इंटरमीडिएट पे आप लोग यहां क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इधर आइएगा और यहाँ टाइप दे रखे रेगुलर फास्टैग वगैरह आप डायरेक्ट ही फास्टैग पर पहुँच जाएंगे तो ऐसे करके यहाँ आपको ये यह देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है जी यस सर और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहाँ ये बैच अपना अवेलेबल है मालिक ओके सर जी तो आप यहाँ से से ले सकते हैं जिन्होंने अभी नहीं लिया है ये अपनी बात यहाँ पर कर दी जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक सर जी कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है चलो हो गया यहां तक यस yes, सर तो हमने अपनी वेबसाइट भी इस बार बनाई है बहुत शानदार वाली वेबसाइट बनाई है भवर सर के साथ हमारे बहुत बेहतरीन वाले कॉम्बोज और आई थिंक आजकल तो वो पांच सौ रुपए का डिस्काउंट भी चल रहा है आप अंदर देखेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा इसके अंदर जाकर देखेंगे तो खैर अब एक बात मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी अपना एग्जाम दिया था और रिजल्ट आया है नेगेटिव तो यार रोना धोना बिल्कुल बंद कर दो आप शेर हो शेर की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं कल का दिन था मैं मानता हूं बहुत बड़ा दुख होता है जब हम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं और रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आता है तो बहुत दुख होता है ठीक है कल का दिन उनके लिए अच्छा नहीं रहा पर आप ये मान के चलना ये जो कायनात है जो प्रभु है जो करता है छे के लिए करता है इस कायनात ने आपको जो भी जिस तरह से प्रसाद दिया है चाहे कड़वा है चाहे मीठा है आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और प्रभु की ऐसी इच्छा मानते हुए आप आगे बढ़ें कि यस मैं करके दिखाऊंगा आगे अगर आपने दस दिन और लगा दिए रोने में तो पक्का है कि आपको अगली बार भी फिर रिजल्ट के टाइम पर रोना पड़ेगा लेकिन अगर आपने अब अपने आप को संभाल लिया ठीक से मैनेज कर लिया और आंसू पहुंचकर पढ़ने बैठ गए हैं आप, आप अगली बार हंस रहे होंगे यार ठहा के मार मार के हंस रहे होंगे आप भरोसा कीजिए मेरी बात का तो भाई पास्ट को जाके रेक्टिफाई कर नहीं सकते हैं उठो जागो और आगे बढ़ो और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूं मेरे साथ बेईमानी मत कीजिएगा ना मैं बेईमानी करूंगा ना तुम बेईमानी करोगे जो तरीके जिस पैटर्न को मैं आपको बता के चल रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा ब्लाइंडली अगर पास ना हो जाओ तो मुझसे कहिएगा आपका पूरा टाइम फ्रेम पूरा मैनेजमेंट किस पेपर को कैसे हैंडल करना है आपके लॉट्स ऑफ टेस्ट वो सब मैं यहां पर कंडक्ट करा के चलूंगा जी हां इस बैच के अंदर मैं आपका हर चैप्टर का टेस्ट करा के चलूंगा और लठ मेरे पास में रखा हुआ है क्योंकि मेरा डेटा यह कहता है कि बीस से कम बच्चा भी ही टेस्ट देता है हजार बच्चे में से एक अगर मैं रेशियो लेके बताऊं तो 200 बच्चे भी टेस्ट नहीं देते हैं यह बड़ी विडंबना है मैं एक एक बच्चे का चेक करूंगा वहां पर कि कौन कौन टेस्ट दे रहा है कौन कौन टेस्ट नहीं दे रहा है स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा टेस्ट को इस बार में और फिर मुझे बता देना रिजल्ट नेगेटिव कैसे आता है बच्चे की कंप्लेंट रहती है कि सब कुछ हमें आता था सब कुछ आने के बावजूद भी हमारे नंबर नहीं आ रहे हमें एक्सपेक्टेड थे अरे नंबर नहीं तब नहीं आते जब हमें लिखने का अभ्यास नहीं होता है आप लिखते ही तो नहीं हो यार आपके जो रिजल्ट नेगेटिव आया है इसमें सबसे बड़ी जो रीजन है वो है आपका राइटिंग प्रैक्टिस का ना होना मैं कराऊंगा आपको राइटिंग प्रैक्टिस मैं लिख लिख के दिखाऊंगा पर क्वेश्चंस के आंसर आपको फिर देखते हैं आपका रिजल्ट कैसे रुकता है जो मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो ब्लेम मेरे ऊपर ठोक देना पास हो जाओ तो क्रेड खुद ले जाना ठीक यस सर तो ऐसे करके हमारी यहां तक की बात हो गई है सर रिवीजन वीडियो कब आएंगे भाई बाबू देखो रिवीजन वगैरह की बात यहां पे मत करो मुझसे तुम तो, मुझे आगे बढ़ने तो रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे अगले महीने या उसके देखूंगा मैं पहले तो फटाफट मेरा अब जो प्राइम टारगेट है वो मेरा ये वाला बैच है ठीक है बुक्स रेगुलर मिलेगी या फास्ट ट्रैक मिलेगी बुक्स मैं रेगुलर दूंगा फास्ट ट्रैक वाली बुक्स नहीं दूंगा मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपका दे रहा हूं इसमें जो आपकी किताबें आएंगी वो रेगुलर बैच की जो किट आती है वही किट यहां पर आपकी आने वाली है बुक्स के अंदर भी ठीक है जी जिसमें दो हमारे मॉड्यूल रेगुलर के होते हैं ठीक और एक इसमें आएगा आपका कंपाइलर आएगा ठीक है जी और एक आएगी इसमें क्विज बुकलेट क्विज बुकलेट के नाम से जो सेंस टूट पर नई डाली है और दो चार्ट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो कंप्लीट में पैकेज आपको यहां पर देकर चल रहा हूं सर आपके ओल्ड स्टूडेंट के लिए कोई डिस्काउंट है कि नहीं वो वो टीम से बात कर लीजिएगा शायद कुछ रखा हुआ है उन्होंने एक बार उनसे बात कर लीजिएगा हाँ हाँ ठीक बच्चा तो ये बैच मैं कह रहा हूं कि आपके पास अगर आपको बहुत बढ़िया सा रिविजन करना एक तरीके से सारी चीजें ब्रशअप हो जाए सारे टेस्ट आपने पहले नहीं दिए थे अब देने हैं आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में मैं सारे दिन मतलब ऑल सेवन डेज यहां पे क्लास लेके चलूंगा छुट्टी वुट्टी की हम बात नहीं करेंगे यहां पे आके और फिर से बता दूं अगर आपके पास समय है और आप पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है मेरा रेगुलर बैच अगर आपका एग्जाम मे टू में है तो जो ऑलरेडी मेरे पास रेगुलर बैच है उसे लीजिएगा और अगर आपका एग्जाम नवंबर ट्वेंटी फोर में है तो आप अगले महीने तक का वेट कीजिए फेबर तक का फेबर में मेरा नया लाइव बैच आ रहा है सी ए इंटरमीडिएट का राइट right? ओके okay, सर जी क्या मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए अब तो कोई आपकी क्वेरीज नहीं है सर सर एडिशनल वाले तीन चैप्टर दे दो प्लीज दे दिए जाओ तथास्तु तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो ठीक एंड <coughs> इतनी बातें होने के बाद मेरे बच्चा आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर आकर सभी लिखेंगे श्री गणेश आय में जय जय श्री राधे और जो भी आपने लिखना है आप लिख के चलें और मैं अपनी बात को बढ़ाता हूँ अब आगे की तरफ ठीक भूरा हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर जी हम्म हूँ यस सर तो यहां से आपकी शुरुआत की जाती है मैंने मेरी किताबों को बहुत खूबसूरत और शानदार बना दिया एक हल्की सी झलकी आप इसकी देख सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद आपके मन से एक आह और एक वाह निकलेगी ये हमारा आपसे वादा है तो बाबू अब मैं समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता हूँ मुझे आज्ञा दीजिएगा हाँ सर मैंने पढ़ा तो है लेकिन मेरा जीएसटी बहुत वीक है तो कौन सा बैच लू मानव पटेल पढ़ा है पहले तो ले लें वाला पहले से नहीं पढ़ रखा है तो रेगुलर ले ठीक और कुछ और कोई क्वेरीज हो तो बताइए कब तक खत्म हो जाएंगे ये वाले पच्चीस तीस क्लास लगनी है तो मोटा मोटी पकड़ के चले आप वन मंथ पकड़ लें आज से आज से आप एक महीना पकड़ लें एक महीने में आपका यह बैच कंप्लीट हो जाएगा सर व्हाट इज द फी फॉर एग्जाम सी लें, आपको अच्छा लगेगा वहां जाके देख लो एक बार बाबू मेरे हाँ जी कब तक होंगी क्लासेस तो आज है आपका ये टेंथ जनवरी तो मान के चलिए टेंथ फरवरी तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तो जैसे आपको अपना एग्जाम देना है मे ट्वेंटी फोर के अंदर ना तो आप एक महीने में अपना ये जी एस टी यहाँ से फटाफट साइड में कवर करते रहिएगा पूरी प्रैक्टिस करते रहिए टेस्ट देते रहिए हाथ के हाथ होता रहेगा इस बार चूंकि आपका एग्जाम भी लेट होना है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन तो बहुत बार बच्चा ये पूछ रहा है कि भाई मैं अब आगे बोथ दूं या सिंगल दूं बोथ ग्रुप के लिए तैयारी करें बोथ ग्रुप के लिए तैयारी करें और एक महीना में इसे निपटाएं और अकॉर्डिंगली अपना प्लान आउट करके चलें किस दिन आ, समय मिलेगा तो मैं आपका बीच में पूरा प्लान और टाइम मैनेजमेंट है तो आज हमें अपने सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए राइट मालिक आई सी आई ने ग्रुप वन के लिए मार्क्स हाथ रोक कर दिए हैं क्या हाँ मार्क्स तो हाथ रोक कर ही देता खोल कर कब देता आईसीआई ठीक बच्चा मैं आगे बढ़ जाऊं क्या आप मैं आगे चलता हूँ सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग ठीक तो <coughs> जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके और हमारे परिवार में कितने लोग हैं सर मेरे परिवार में तो आठ दस लोग हैं आपके परिवार में हो सकता है पांच हो छह हो सात हो आठ हो परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति होता है कभी कभार दो भी होते हैं खासतौर तो पे पिताजी कमाते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ पिताजी अपने घर को चलाने के लिए बाहर या तो जॉब करते होंगे या अपना कोई बिजनेस करते होंगे बिजनेस छोटा या बड़ा जैसा मर्जी हो सकता है जॉब छोटी बड़ी जैसे मर्जी हो सकती है और वहां से जो पैसा आता है उस पैसे से अपने प्यारे से खूबसूरत से इस दुनिया को इस परिवार को अपने को चलाते हैं इसके जो डेली नीड्स हैं बच्चों की पढ़ाई है लिखाई है घर बनाया है उसकी किश्त विश्त देनी है एक कार ली है अपने इस सपनों के संसार को बहुत अच्छे से पाल पोस कर आगे बढ़ाकर चलते हैं ठीक लेकिन हम सब लोगों की मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं पिताजी आपके आपके परिवार का करके चल रहे हैं ऐसे ही सब अपनी अपनी दुनिया में सब मस्त हैं सब मौज कर रहे हैं सब ठीक से कमा खा रहे हैं लेकिन क्या हम सबकी अपनी सिर्फ पर्सनल नीड्स ही हैं? क्या हमारी कुछ एक कॉमन नीड्स नहीं है हमें घर से बाहर निकलने के जब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें रोड चाहिए होता है ब्रिज चाहिए होते हैं स्कूल अस्पताल चाहिए होते हैं जो कि हमारी कॉमन नीड्स होती है तो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रोड ब्रिज पुल वगैरह बनवाने के लिए ये पैसा कहां से आएगा क्या पैसा मेरे घर से जाएगा या आपके पिताजी की कमाई में से जाएगा अगर ऐसे चंदे की तरह इकट्ठा किया जाए पैसा तो देने वाला कोई भी नहीं है और मजे की बात यह कि इस कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए आगे कौन आएगा क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ बिजी है तो अगर हम परिवार को बड़ा कर दें पांच सात आठ लोगों के परिवार की बजाय हम देखें कि हमारा परिवार 140 करोड़ लोगों का है तो इस बड़े से परिवार का मुखिया कौन है हेड कौन है सर सरकार है एक पिताजी हैं और एक चाचा जी हैं मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है ये देश को चलाते हैं सर, और यही हमारी कॉमन नीड्स को पूरा भी करके चलते हैं पर सवाल ये उठता है कि भाई इनके पास पैसा कहां से आएगा अब मोदी जी कौन सी जॉब करते हैं या कौन सा बिजनेस करते हैं तो कहते हैं कि तेल तो तिलो में से ही निकलता है तेल तो तिलो में से ही निकलेगा तो हम जो कमा रहे हैं आपके पिताजी जो कमा रहे हैं उस कमाई का ही एक छोटा सा बाइट एक छोटा सा हिस्सा कट कर लिया जाता है और सरकार उस पैसे को हमसे ले लेती है और हमारी जो कॉमन नीड्स हैं उसमें उस पैसे को लगा देती है यानी विकास कार्यों में उस पैसे को लगा दिया जाता है और हम सभी की कॉमन नीड्स पूरी हो जाती है तो मुझे बताइए क्या इस तरह से हमारी जेब से जो पैसा गया सरकार के पास में क्या अल्टीमेटली घूमकर उसका बेनिफिट हमें ही नहीं मिला क्या वो डेवलपमेंट की बारिश बनकर क्या हमारे ऊपर ही नहीं बरसा द आंसर इज यस तो जो पैसा हमारे जेब से जा रहा है जिसको टैक्स का नाम दिया जाता है तो ये ऐसे मत समझना कि गड्ढे में चला गया पैसा नहीं डेवलपमेंट की बारिश बनकर हमारे ऊपर ही आकर बरसता है और हमें यह भिगो जाता है ऐसे करके मालिक यहां पर बात करी जाती है अब सवाल यह उठता है कि जो हमारी जेब से सरकार को पैसा जा रहा है इसका नेचर क्या होता है क्या यह इस नेचर का होता है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। क्या यह चंदा है कि जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका क्या यह ऐसा है नहीं ये ऐसा नहीं है तो ये कैसा है ऐसे की तैसी अबे देता है तो दे नहीं तो ले ये इस नेचर का है आपका देना ही पड़ेगा कंपलसरी एक्सटॉशन ऑफ मनी होता है ये सरकार की तरफ से और वो भी लीगलाइज वे में गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए इसमें बोलता तिर हम्म ये धुन बजती रहती है उसके अंदर आकर तो सरकार लीगलाइज वे में कहके जीएसटी आपसे ले लेती है जबरदस्त तरीके से लेती है वरना अगर चंदे के तौर पे मांगा जाए तो कोई देगा नहीं सर हर कोई बोलेगा चल आगे बढ़ वो सारी बात मैंने यहां पर लिखी हुई है कि टैक्स का जन्म आखिर हुआ कहाँ से है तो यहाँ पर लिखा है परिवार है पांच से आठ लोगों का एक फैमिली को पहले पकड़ा है छोटी फैमिली को यह हमारी एक स्मॉल फैमिली का खर्चा पानी कैसे चलता है वो समझाया गया है पेरेंट्स चलाते हैं या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जॉब करते सैलरी आई बिजनेस करते हैं तो घर में अल्टीमेटली प्रॉफिट आता है बिजनेस का और जो रेवेन्यू या प्रॉफिट है वहां से हमारे ये कपड़े शपड़े घर कपा कपड़ा मकान ये सब यहां पर जरूरतों को पूरा किया जाता है लेकिन मैं एक बड़ी वाली फैमिली की बात करूं एक बिग साइज फैमिली आ हा 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 बिग फैमिली का मतलब हो गया वही एक करोड़ लोगों की फैमिली यानी आई एम टॉकिंग अबाउट होल ऑफ इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट होल ऑफ इंडिया तो इट इज रन बाय द गवर्नमेंट और हम जो जॉब कर रहे हैं सैलरी कमा के ला रहे हैं सरकार सैलरी में से एक बाइट निकाल लेती कि आज मेरे राज्य और यहां पर आकर अगर बिजनेस करते तो जो प्रॉफिट कमाया जा रहा था उस प्रॉफिट में से भी एक बाइट सरकार निकाल लेती है और वो वाइट निकलने के बाद में वही सरकार के पास पहुंचता है पैसा और सरकार उस पैसे को यहां पर यूज करके चलती है हम सभी की डेली नीड्स को कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए पहले मुझे बताइए यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आपको बस हमें जवाब देना और कुछ भी आपने नहीं करना होता है तो मैं आपको बता रहा था कि आखिरकार टैक्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है अब सुनिए मेरी बात मैंने यहां जो कमाई है उसको कम आई कमाई हमेशा कम ही नजर आती है क्योंकि इसका नाम है कम आई तो एक तो मैंने सैलरी की यहां पे बात करी है और एक मैंने बात करी है आपसे यहां लाइक like प्रॉफिट की बात करी जो हमारे घरों में कम के आता है कुछ और तो नहीं आता ना नहीं आता प्रॉफिट आता है बिजनेस से और सैलरी आती है जॉब करने से हम पढ़ने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो अपना ये जीएसटी ना नसाडा साडा जीएसटी अपना जो जीएसटी है ये एक बाबू बिजनेस टैक्स होता है और बिजनेस टैक्स होने के नाते से पता लगता है कि ये बिजनेस करने पर लगाया जाता है अगर आप कोई जॉब शॉप करते हैं तो पता है वहां पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा जॉब शॉप से जीएसटी का कोई मतलब नहीं है यहां बात होगी सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की बिजनेस आप गुड्स का भी कर बिजनेस आप गुड्स का भी कर सकते हो और बिजनेस आप सर्विसेज का भी मालिक यहां पर कर सकते हो कोई सा भी बिजनेस करें उसमें आपको टैक्स सरकार को देना पड़ता है रीजन में आपको बता ही चुका हूं कि आपको टैक्स देना क्यों पड़ता है सैलरी पे भी जाते हैं टैक्सेस टैक्सेस बहुत तरह के हैं हम तो यहां सिर्फ एक टैक्स पढ़ रहे हैं जीएसटी और इसके बारे में बताने की कि आपका किस चीजों के ऊपर आपको देना पड़ता है एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं देखिए यहां पर मान लीजिए भाई हम एक कोचिंग सर्विस की बात कर रहा हूं मैं अपनी क्लासेस यहां पर ले रहा हूं मेरी फीस सपोज कीजिए फाइव थाउजेंड रुपीज की है और चूंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर बैठी सरकार मुझसे यह कह रही है कि हे राजकुमार एक काम करना तुम बिजनेस कर रहे हो ना मैं कहा हाँ जी कर तो रहा हूं तो तुम अपने कस्टमर से एक बिजनेस टैक्स वसूल करना उससे लेना जब फीस ले रहे हो उसी समय ये जीएसटी के नाम का पैसा ले लेना और ये पैसा आप हमें दे देना मैंने कहा ठीक है जी तो पांच हजार में उन्होंने रेट दे दिया मुझे अठारह परसेंट का ठीक तो अठारह परसेंट से जीएसटी मैंने आपसे लिया और सरकार को मैंने दे देना है तो ऐसे करके मुझे कुल पैसा कलेक्ट हुआ यहां पर आकर पांच का क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से मेरी फीस कितनी है जैसे मैं अपनी बोलू मेरी 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 फीस कितनी है यहां पर आकर पाँच हज़ार नौ सौ या सिर्फ पाँच हज़ार सर नौ सौ रुपये तो सरकारी पैसा है सरकार ने कहा है कि वहां से लेके हमें दे दियो क्योंकि वो डायरेक्ट देने में थोड़ा मुश्किल करेगा हम बिजनेस कर रहे हैं सरकार ने हमारी गर्दन पकड़ ली यहाँ पे आकर चल उससे लेके तू दे दियो तो हम तो एक तरीके से सरकारी एजेंट है टैक्सेशन के मामले में आकर ठीक तो भाई अगर मुझसे पूछो मेरा कितना तो मेरी फीस सिर्फ पाँच हज़ार रुपये है पाँच हज़ार पांच जार, पांच जार, आ रहा हूं भाई साहब मेरी फीस है और वैसे भी जब हम अपने अकाउंट्स वगैरह के अंदर हमसे पूछे कि भाई आपका टर्नओवर कितना है तो टर्नओवर ओवर पांच हजार बताया जाता है टैक्स वाला पैसा टर्नओवर के अंदर काउंट नहीं किया जाता है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे हाँ सर जी तो ये है मेरी मेरी है तो पांच हजार नौ सौ हो गए ये फीस कलेक्ट होने के बाद अब इसमें से देखिए मेरे पास बचता क्या है आप ये अमाउंट देखकर आपको लगता है कि ओ मोटा कमा रहे हो हाँ, इस मोटे को सबसे पहले पहले स्टेप पर ही पतला कर दिया जाता है नौ सौ रुपये सरकार को देने पड़ेंगे मैं मेरे पास में नहीं रख सकता हूं उसको दे दिए अब मेरे पास रह जाता है ये पांच हजार रुपया अब पांच हजार में से मेरा अपने कुछ खर्चा पाने भी होता है किताबें का भी बिल अच्छा खासा जाता है कुरियर वाले का बिल जाता है स्टाफ की सैलरी बहुत सारे खर्चे होते हैं यार सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद में मेरे पास बचते हैं तीन हजार रुपए अवित्र में सरकार का फोन आ गया राजकुमार जी वो जरा पुल अधूरा पड़ा है आपने ठीक है नौ सौ रुपए का टैक्स दे दिया था पहले लेकिन अभी पुल अधूरा है थोड़े पैसे और चाहिए थोड़े से और दो ना हमने कहा यह क्या तरीका है करना थोड़ा और दो देना ही पड़ेगा अच्छा रहा आपका ये जो कमाई है आपकी जो इनकम आपका जो प्रॉफिट बचा खर्चे काटने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट बोला जाता है रहा इस कमाई के ऊपर आप हमें तीस परसेंट से इनकम टैक्स और दीजिएगा अब तीन हजार का तीन परसेंट हो जाता है थर्टी परसेंट हो जाता है नौ सौ रुपए का ये और यहां से काट के अब बाकी मेरे पास रह गया और ये नौ सौ रुपये मैंने सरकार को दे दिया दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स तो मुझे बताइए टैक्सेशन की दुनिया में अगर इन दोनों को देखा जाए तो पिक्चर में पहले जीएसटी आता है या पिक्चर में पहले इनकम टैक्स आता है सर जी पिक्चर में पहले जीएसटी आता है जहां पर जीएसटी खत्म हो जाता है वहां से इनकम टैक्स शुरू होता है राइट right? ओके okay. इनकम टैक्स इनकम पे लगेगा और इनकम कब आती है खर्चे काटने के बाद आती है जबकि आपका जीएसटी शुरू में ही कैलकुलेट करवा दिया जाता है राइट right? ओके okay. अब इतनी होने बातें होने के बाद में मालिक तो मुझे एक बात बताइए ये, ये जो नौ सौ थे आप तो मुझे फीस दे चुके थे पाँच हजार नौ सौ रुपए की जब मेरे ऊपर ये वाली नौ सौ रुपए की डिमांड आई इनकम टैक्स की तो क्या ये पैसा मैं आपकी जेब से निकाल सकता हूं कि सरकार ने नौ सौ रुपए का इनकम टैक्स मांगा है आ, 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 आप मुझे नौ सौ रुपए और दीजिए क्या आप मुझे दोगे बताइए ना क्या आप मुझे दोगे आप नहीं दोगे बोले ऐसी की तैसी दे तो दी फीस हमें क्या पता और ना ही सरकार मुझसे ये करे किसी और से मांग के दो कि रहे, तुम इनकम कमा रहे हो हमें तुमसे टैक्स का पैसा चाहिए तो मैं सरकार को यहां पर नौ सौ रुपए दे रहा हूं ये जो जिस पैसे को मैं अपना बोल रहा था कि मेरा 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 अरे उस पैसे में से नौ सौ रुपए दे रहा हूं तो इस नौ सौ रुपए का लोड भी मेरे ऊपर ही पड़ा है ये मैंने ही बेयर किया है ऐसे करके मालिक हो जाते तो जहां आपको दिखता है कि मोटा कमा रहे हो ये यह मोटा यहां तक आते आते पतला हो जाता है असल में हमारे बेडरूम के अंदर पैसा पहुंच रहा है दो हज़ार एक सौ रुपये अब इसमें से अब इसमें से हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं पत्नी के शौक़ पूरे करवाने हैं बच्चों के शौक पूरे करवाने हैं खुद के शौक पूरे करने हैं है ना परिवार के लिए ये पैसा खर्च हो रहा है शुरुआत तो यहाँ से हुई थी कि पहले यहाँ से देख के ऐसा लग रहा था जैसे पहले परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं बचता है तो सरकार को देते हैं पर असल में है उल्टा पहले कॉमन नीड्स के लिए पैसा कट जाता है और कट कटाने के बाद में जो बचता है वो परिवार के लिए हमारी पर्सनल नीड्स के लिए पैसा बचता है सरकार बड़ी चालू है ऐसा ना हो कि सारा खर्ची हो जाए इसलिए शुरू में ही सरकार यहाँ पर टाँका लगा देती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे क्या अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए जय माहेशमती ठीक <laughs> है जी ठीक है साहब ओके सर जी अब बात करते हैं आगे की तरफ और आगे यहां पर आगे है मालिक एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बताइए यहां तक आते आते क्योंकि आपने जो बाइट काटा था ये जो बाइट काटा था ये बाइट ही तो आपका टैक्स था ना यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस बाइट ही टैक्स था तो अब आपसे पूछा जाए कि बता रहे टैक्स क्या होता है व्हाट इज टैक्स बोल रहे ना और देख यार देख रिजल्ट नेगेटिव आया ना ऐसे की तैसी में जान दे बाहर में जान दे तू बस आगे देख मेरे भूरा तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि आज हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा कि आज जो लोग बड़े टॉप पर बैठे हुए हैं दुनिया जानती है और वो मल्टीपल अटेम्प्ट में सी बने हैं अगर नाम ले दिया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी गिर गए हो कोई बात नहीं खड़े होइए कपड़े झाड़िए झाड़ के कपड़े फिर से शुरू हो जाओ कि यस देख लूंगा कमोन कमोन बेबी आ जा। होता है इट्स नॉर्मल लॉस सी बीकॉम में फेल होना लॉस में फेल होना इट्स नॉर्मल लॉस यार क्या दिक्कत है फेल भी किस में हुए हैं सी एग्जाम में मैंने कल भी बताया था जब शेरों की दौड़ हो रही होती है तो उसमें हारने वाला भी शेर होता है और चूहों की दौड़ में जीतने वाला भी छुआ होता है <laughs> तो आप दौड़ कौन सी लगा रहे हैं ये तो देख लो द टफेस्ट एग्जाम इंडिया का बोलूं वर्ल्ड का बोलूं वर्ल्ड का बोल सकता हूं आराम से आप उसमें दौड़ रहे हो यार यहां फेलियर पता है क्या है यहां फेलियर ये यह है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या आप सीए बने या नहीं बने एट द एंड बीच में किसने कितनी पटक खाई कौन कितनी बार गिरा ये मैटर नहीं करता ना एट द एंड फाइनली आप बने या नहीं बने ये मैटर करता है तो हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी पूरे जोश उमंग और तरंग के साथ आपको आगे बढ़ना है मैं तुम्हारे साथ में हूं मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना बेईमानी मुझसे करना मत अगली बार तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो ब्लेम मुझ पर डाल देना और पास हो जाओ तो क्रेडिट खुद ले जाना ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अब जब पूरी कॉन्सेंट्रेशन से यहां पर आइएगा और इस बात का ध्यान रखें कि आपका मन और आपका शरीर क्या यही है क्योंकि इन दोनों के एक साथ होने से किसी भी काम में रस आता है और जब तक किसी काम में रस नहीं आएगा वो काम तुम कभी कर ही नहीं पाओगे ठीक से ना ना न यह आना बहुत जरूरी है इसके लिए ये दोनों बहुत जरूरी है मन शरीर एक जगह ये नहीं कि बैठे तो यहां क्लास में हो और तुम्हारा दिमाग चल रहा है यार क्या करूं अब कैसे करूं अब तुम्हारा दिमाग कहीं और ही चल रहा है कि क्या हो गया कैसे हो गया ऐसे नहीं करना है ऐसे कुछ नहीं होगा ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे ना तो वहां के रहोगे जहां मन लग रहा है ना वहां के रहोगे जहां शरीर रख के बैठे हो दोनों को एक जगह लगा मेरे बच्चा एक जगह लगा ऐसे मान के चल कि ये तेरा सॉफ्टवेयर है और ये तेरा हार्डवेयर है जब तक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक साथ जुड़ के काम नहीं करेंगे यार कोई काम नहीं हो सकता मेरे बच्चा मेरे भूरा तू मेरी बात मान तू खिल खिला के हंसेगा जो तू कंपेर एक बच्चे का फोन आया फिर कंपेरिजन कर रहा है दिमाग कि वो निकल गया मैं रह गया सर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए मैं करेंगे कंपैरिजन भी करेंगे लेकिन इस बार एग्जाम देने के बाद दोनों मिलकर आप और हम कंपैरिजन करेंगे कि देखो बाकी सब रह गए हम पास हो गए करेंगे कंपैरिजन कोई दिक्कत नहीं है ह्यूमन बिहेवियर होता है कंपैरिजन करेंगे खैर तो <coughs> टैक्स क्या था जो अभी आपने देखा इसका नेचर क्या था सर इसका नेचर था क्या ये वो था जो देश उसका भी भला जो ना देश नहीं, 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 नहीं रे ये तो कुछ ऐसे था तांडव कर रहा था ये तो स्नेचर का था लट लेके घूम रहे थे पीछे कि देना ही पड़ेगा भाई आपको कंपलसरी एक्सटोशन ऑफ मनी था लेकिन सर हफ्ता वसूली भी तो यही होती है हाँ मैंने माना कि हफ्ता वसूली यही होती है लेकिन हफ्ता वसूली में कोई एक्ट बीच में नहीं आता उसे वो लीगल नहीं इलीगल वे होता है लेकिन जब हफ्ता वसूली को हम लीगलाइज कर देते हैं किसी एक्ट किसी लॉ में लिखकर तो वही हफ्ता वसूली लीगलाइज होते ही टैक्स का रूप धारण कर लेती है तो कंपलसरी है और एक्सटोशन ऑफ मनी है लीगलाइज वे में किस लिए इस देश को चलाने के लिए इस 140 करोड़ लोगों के परिवार को चलाने के लिए सर्वे भवंतु निरामया चलो जी टैक्स दो तरह के होते हैं एक एक तो गैंग्स वासेपुर में हुँ, 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 हुँ। ये तो होता है डायरेक्ट टैक्स के लेना एक होता इनडायरेक्ट टैक्स क्या आपकी जेब से आप एक क्लास खरीद कर बैठे हो क्या आपकी जेब से टैक्स नहीं गया है गया है बे टैक्स गया आपकी जेब से वो अलग बात है कि आपसे डायरेक्ट सरकार मांगने नहीं आई उन्होंने मेरे थ्रू आपसे कलेक्ट कर लिया ले। लेकिन टैक्स आपकी जेब से गया है लेकिन जहां सरकार कह के लेती है टैक्स अब जैसे इनकम टैक्स वो कह के मुझसे लिया जाएगा वो इनकम टैक्स यहां पर आ जाता है तो उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट देते हैं एक डायरेक्ट टैक्स और एक अपना इनडायरेक्ट टैक्स ये कौन सा है कह के लेना ये ले लिया ठीक है और ये क्या है ये इनडायरेक्टली लेना क्योंकि ये जो थोड़ा रंगीला है हमारा आईडीटी तो जैसे कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना देखता कहीं निशाना कहीं और मारता है यानी कि पकड़ तो मुझे रखा लेकिन टैक्स आपकी जेब से आ रहा है अगर इन दोनों का अंतर हम जानने की कोशिश करें तो आपको यह समझना होगा कि जब आपको वैक्सीन लगी थी कोरोना वैक्सीन लगवाई थी ना आपने कोविड के लिए हाँ लगवाई थी तो आपको वैक्सीन लगी दर्द किसे हुआ था आपको या किसी और को सर हमें हुआ था दर्द अच्छा कभी देखा होगा छोटे बेबी को गोद में जो बच्चा होता है उसको वैक्सीनेशन होता है तो दर्द किससे होता है सर बच्चे का तो पता नहीं बच्चा तो काफी देर बाद होता है वैक्सीन वैक्सीन लग जाती है सिरिंज बाहर निकल आती है थाइस में लगाते ना छोटे बच्चे की मैं तो बच्चे को तो बहुत देर बाद पता लगता है लेकिन मां की चीख तो इंजेक्शन लगने से पहले ही निकल जाती है तो इंजेक्शन लगा बच्चे को दर्द मां को हो जाता है तो बस वही फंडा यहां पे अपनाना है तो ये बताइए भाई लगा किसको और दर्द किसको हुआ है जिसको लगा जिसको लगा नीचे वाले केस को देखते हैं पहले जिसको लगा दर्द भी उसी को हुआ तो ये डायरेक्ट है कह के ले लिया और लगा किसी और को और दर्द हुआ किसी और को उसे बोल देते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्स लगा मेरे ऊपर इम्पोज मेरे ऊपर हुआ जीएसटी लेकिन इसका लोड मेरी जेब पर ना पड़ा मैंने तुम्हारी पॉकेट में हाथ डाला हाँ हाथ डाला नहीं डाका नहीं डाला हाथ डाला हाथ डाला और निकाल लिया नौ सौ रुपए तुम्हें तो पता भी ना चला वो निकाल लिया और सरकार को दे दिया सर अगर ऐसा है तो फिर ये लोग जीएसटी की चोरी काय को करते हैं क्योंकि तो जो दे रहा है उसका पैसा नहीं है और जिसका पैसा है वो दे नहीं रहा है चक्कर क्या होता है यहाँ ना सब हम लोग माया से घिरे हुए हैं प्रॉब्लम क्या है मैंने सीना ठोक के बोला था कि मेरा पैसा कितना है पांच हजार रुपए आप ईमानदारी से एक बात बताइएगा ये यहाँ पर मेरी वेबसाइट मालिक आ जाते ठीक है यहाँ पे आते चलो होम पेज पर देख लेते हैं यहाँ बहुत सारे अपने ये बैचेस आ रहे हैं आप देख सकते हैं तो मैं इस बैच की बात करता हूँ आपसे ठीक है ये हमने खोल दिया यहां पर आकर ये मेरा रेगुलर बैच है 6250 हजार दो सौ पचास रुपए हैं यहां पर आकर जब यहां पर आकर एडमिशन होता है पता हमारी वेबसाइट में एक नई चीज और भी है कि आप यहां से जैसे ही ऑर्डर करते हैं ना तुरंत आपको लिंक विंक सब मिल जाता है पांच मिनट के अंदर क्लास प्ले करी जा सकती है तो छ हजार दो सौ पचास है जब एक एडमिशन होगा तो मेरे दिमाग पे क्या इंप्रेशन जाता है कि मेरा कितने की कमाई होगी कितना पैसा कितना रेवेन्यू आ गया छो सौ पचास या कुछ मान लो अगर आज मेरे सौ एडमिशन हो जाते हैं तो मेरा दिमाग पता क्या बोलता छह हजार दो सौ पचास साहब आज तो छह लाख पच्चीस हजार की कलेक्शन हो गई दिमाग ये काम करता है लेकिन दिमाग ये भूल जाता है कि अभी बेटा छ हजार दो सौ पचास में अठारह परसेंट जी एस टी जुड़ा हुआ है तो डिवाइड बाई एक सौ अठारह इंटू अठारह डिवाइड बाई एक सौ अठारह इंटू अठारह क्योंकि जीएसटी जुड़ा हुआ है तो जीएसटी तो है।, तो है तो इसमें से अगर मैं घटाता हूं तो यह आता है पांच हजार लगभग तीन सौ लगभग पांच हजार तीन सौ मेरा है लेकिन मैं मान के बैठ जाता हूं कि छे हजार दो सौ पचास मेरा है बस यही जो हमारी अजम्पशन है यहीं से मोह पैदा हो जाता है 6250 में 950 सरकारी पैसा है, किसी और की अमानत है अब मान लीजिए मेरे घर कोई कोई और आया व्यक्ति बाहर का और मेरे घर ठहर गया यहां पे आके अमानत के तौर पर एक महीने ठहर गया यहां पे आके और मुझे इससे मोहब्बत हो, हो गई थी किसी और की अमानत मोहब्बत मुझे हो गई हमें बोलू नहीं 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 मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा मैं चोरी कर लूंगा मैं अपहरण कर लूंगा तेरा मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा ये तो पाप है यार वो किसी और की अमानत थी आप ऐसे कैसे कर सकते हो एक महीने आपके पास रह गई वो और आप उसे प्यार कर बैठे ऐसा नहीं करना चाहिए था ये पाप होता है जर जोरू और जमीन अपनी बचा के रखो दूसरे की पे नजर मत डालो ये सिखाया जाता वरना झगड़े ही बढ़ेंगे तो यहां पर हम क्या करते हैं कि सरकारी पैसा को अपना मान बैठते हैं और खर्च भी कर डालते हैं मजे की बात यह है जब सरकार मांगती तो हमें लगता है कि इससे बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं हमारा हमसे मांग कैसे लिया इन्होंने ठीक ये प्रॉब्लम यहां पर आती है इसलिए लोग चोरी करते हैं मालिक ठीक है जी तो डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगा है बर्डन भी उसी पर पड़ा तो डायरेक्ट और जिस पर लगा है बोझ किसी और पे पड़ता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जी सर और कितने लेक्चर होंगे यहां पर आकर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे ओ यस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी लिख लिख कर प्रैक्टिस होगी लिख लिख कर प्रैक्टिस कराएंगे आपको हम हमारा वादा है आपसे जी ये रिवीजन लेक्चर है नहीं ये रिवीजन लेक्चर नहीं है ये आपका कंप्लीट बैच चल रहा है यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड और बताइए कंप्लीट लेक्चर होंगे यूट्यूब पर नहीं शुरू के कुछ लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पर ठीक है कितने अटेम्प्ट को नॉर्मल मानेंगे आप डिपेंड <laughs> करता है पर्सन पर्सन टू कोई काउंटिंग नहीं होती इसकी ठीक है कितने अटेम्प्ट को नॉर्मल मानेंगे ये कोई वो है कितने भी लगो क्या फर्क पड़ता है लेकिन बन के सीए निकलेंगे बनना सीए ये भाई साहब फ्री है ये ना कितने क्वेश्चन होंगे नीड बेस्ड लगभग सारे क्वेश्चन कराएंगे जो मोटे मोटे क्वेश्चन है सारे करा के चलेंगे हम आपको बोलना है जय श्री राम जय श्री राम जी सब सॉफ्टवेयर में कब से कंटिन्यू होंगे एंड एंड टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा वो सॉफ्टवेयर में आपके कंटिन्यू हो जाएंगे तीन क्लास पहली तीन क्लास आपके यूट्यूब पे रहेंगे उसके बाद आपका जो ऐप है उसमें क्लासेस चलेंगे ठीक है जी आगे बढ़े मालिक हाँ सर जी पता यार मेरी बात समझना आपने टैक्स का नेचर तो देख लिया है ठीक अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं देखिए हम टेक्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चैप्टर खोला कि भाई पहला चैप्टर आपका ये बात नहीं नहीं कुछ बेसिक्स होते हैं कुछ एथिक्स कुछ नियम कानून होते हैं पहले वो हमें आने चाहिए फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए हमारी तभी हम ठीक से बात कर सकते हैं इसी फाउंडेशन सीरीज के अंदर एक नियम आता है टैक्सेशन वर्ल्ड का जिसे बोलते हैं हम लोग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल न जाने कितनी जगहों पर हमें यह प्रिंसिपल यूज करना होता है एक बात बताइएगा मैं दिल्ली से हूं मैं दिल्ली से हूं और तुम्हें कहां से हो भाई सर जी हम तो हरियाणा से हैं अच्छा ठीक है तो हरियाणा के बच्चे का पैसा मेरी जेब में आया और मैंने टैक्स सरकार को दे दिया ठीक तो इसमें जो टैक्स का लोड पड़ा वो हरियाणा वाले पे पड़ा कि दिल्ली वाले पे पड़ा सर जी हरियाणा वाले पे पड़ा ये तो अच्छा हमारे ऊपर पड़ा ये तो तो मुझे बताइए अगर ये लोड आपके ऊपर पड़ा है तो इस पैसे से डेवलपमेंट की बारिश दिल्ली में होनी चाहिए या हरियाणा में होनी चाहिए मैंने आपको सर्विस दी आपने मेरी क्लास लगाई है अपनी गाढ़ी कमाई का मेहनत का पैसा आपने मुझे दिया इंक्लूडिंग टैक्स आपने मुझे पैसा दिया मैंने टैक्स का पैसा सरकार को दे दिया अब इस पैसे से जो डेवलपमेंट डेवलपमेंट होगा वो हरियाणा में होना चाहिए या दिल्ली में होना चाहिए कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे टैक्स का पैसा हमारा गटर में नहीं जाता बे पैसा डेवलपमेंट की बारिश बनकर बर, बर रे मेघा मेघा रे मेघा वो बारिश बनकर हमारे ऊपर ही बरसता है सर तो इस प्रकार से ये बारिश हरियाणा में होनी चाहिए बस पकड़ के बात को यहीं से आपका आता है प्रिंसिपल डेस्टिनेशन प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन के आपके दो तरह के प्रिंसिपल्स मौजूद हैं एक होता है ओरिजिन प्रिंसिपल और एक होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ओरिजिन प्रिंसिपल यह कहता है कि टैक्सेस उस कंट्री या स्टेट को जाएगा जहां से जहां से कि गुड्स या सर्विसेज जा रहा है सप्लाई किया जा रहा है जहां से उसका ओरिजिन है जहां से वो मैन्युफैक्चर रहा, से वो दिया जा रहा है। इसके अपोजिट डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि टैक्सेस का पैसा उस स्टेट या कंट्री को मिलना चाहिए जहां पर वो गुड्स या सर्विसेस कंज्यूम किया जा रहा है कंजम्पशन प्लेस तो मुझे बताइए कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा बेहतर लगा आपको टैक्स का पैसा कंज्यूमिंग स्टेट या कंट्री को मिलना चाहिए या फिर ये ओरिजिन स्टेट या फिर ओरिजिन कंट्री को मिलना चाहिए सर डेस्टिनेशन कंट्री को क्योंकि जिसका पैसा है उस बारिश उसी के ऊपर हो तो तो मजा आएगा ना अभी पैसा जाए मेरी जेब से बारिश हो रही हो इसराइल में भाई क्या मतलब बनता है सवाल ही पैदा नहीं होता तो इसलिए यहां पे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है और हम भी इसे एक्सेप्ट करके चलते हैं इंडिया में भी तो मुझे बताइए अगर यूएसए से कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आता है तो क्या इसके लिए टैक्स इंडिया में लगेगा या यूएसए में लगेगा ओरिजिन यूएसए है ओरिजिन यूएसए डेस्टिनेशन इंडिया है सर जी इसमें लगेंगे टैक्स जो है वो आपका आ, इंडियन गवर्नमेंट को इधर दे दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे दूसरा सर अगर मान लीजिए <laughs> आपका इंडिया का मैन्युफैक्चरर है ठीक है वो आपका यहां से गुड्स भेज रहा है से भेज रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है सर जी हां तो ऐसे में गुड्स कंज्यूम कहां पर हुआ है अब्रॉड में कंज्यूम हुआ है जो पैसा है वो वहां के बंदे की जेब से निकला होगा इंक्लूसिव ऑफ जी एस टी जी एस टी यानी कि टैक्स रमा हुआ पैसा निकला होगा वो पैसे कलेक्शन सर वहीं होनी चाहिए उसी सरकार को मिलना चाहिए तभी तो बात बनेगी ना तो टैक्स यहाँ पर कलेक्ट करेगी यूएसए गवर्नमेंट एज पर द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फ्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे अच्छा चलो एक सवाल पूछते हैं आपसे हम हाँ पूछ लो सर जी मान लीजिए हमने कोई गुड्स है और वो गुड्स यहां से इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर लिया यहां पे टप्पा खाया गुड्स ने आके टैक्स कौन वसूलेगा सर यहां पर इंडिया वाले अपना इंडिया का टैक्स इसके ऊपर ठोक देंगे वेरी गुड इंडिया का टैक्स लगने के बाद यह गुड्स रुका नहीं इसने एक और टप्पा खाया यहां श्रीलंका में जाकर यह अपना जो गुड्स था यह श्रीलंका के लिए वहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है मेरा सवाल यह उठता है अब कि जब इसने यहां टप्पा खाया था इधर आके रुक गया था गुड्स तो हमें लगा कि अब यह इंडिया में कंज्यूम होगा तो इंडिया में हमने टैक्स ले लिए थे लेकिन उस बंदे ने इंडिया में उसे कंज्यूम नहीं किया बल्कि श्रीलंका के लिए आगे भेज दिया कि आगे बढ़ो तो अब टैक्स कौन लेगा टैक्स लेगा सर यहां पे श्रीलंकाई गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करके चलेगी क्योंकि अब ये कंज्यूम इंडिया में होगा लेकिन ये जो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट ले चुकी है इनका क्या होगा इन पर मिट्टी डालें या फिर ये रिफंड हो जाएंगे क्या यहां पर इंडियन गवर्नमेंट भी अपने पास टैक्स बनाए रखेगी या इस पैसे को वापस कर देगी सर देखिए दो दो जगह तो टैक्स लगेगा नहीं अगर ऐसे दो दो जगह लगने लग गया तो भाई बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी टैक्स तो सर एक ही जगह लगेगा जहां पर कंज्यूम होगा सीधी सी बात है श्रीलंका में कंज्यूम हो रहा है श्रीलंका में टैक्स लगेगा सीधी बात बकवास हाँ। अब यहां जो लग गया था इस भ्रम में में कि इंडिया टप्पा जो खा गया था यहां पर ये, तो ये रिफंड कर दिया जाएगा वेरी गुड सर प्लीज रिपीट कर दो मैं बताता हूं दोबारा से यूएसए से गुड्स पहले इंडिया में आ गया आप इंडियन हैं आप इंडियन है क्या नाम है आपका समिता समिता आप इंडियन हैं आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिया आपने इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट कर दिया कुछ समय बाद आप एक श्रीलंका का कस्टमर मिला आपने गुड्स उसको आगे फर्दर सप्लाई कर दिया है तो क्या आप इंडियन गवर्नमेंट से टैक्सेस को वापस नहीं मांगोगे कि साहब जिस गुड्स के ऊपर आपने टैक्स लिया है वो टैक्स तुमने श्रीलंका भेज दिया है वो इंडिया में है ही नहीं क्या इंडियन गवर्नमेंट वो टैक्स का पैसा आपको वापस नहीं करेगी द आंसर इज यस क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री या स्टेट को होता है जहां पर कि गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधा लिखा है मैंने यहां देखिए ना गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए टू इंडिया एंड क्लियर फॉर होम कंजम्पशन होम कंजम्पशन मतलब होम क्या सर जी होम का मतलब बड़ी फैमिली होम hmm, का मतलब इंडिया से है इतनी बड़ी फैमिली 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों का घर है सर जी होम कंजन इन इंडिया ऑन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी जब हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से तो इंपोर्ट ड्यूटी ये टैक्स का नाम होता है और कुछ भी नहीं है इंपोर्ट ड्यूटी नाम का एक टैक्स लग जाता है उसके बाद श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर दिया गया ऐसे केस के अंदर जो श्रीलंका गवर्नमेंट वो तो टैक्स चार्ज करेगी एंड व्हाट अबाउट टैक्स ऑलरेडी पेड टू इंडियन गवर्नमेंट ये यहां से रिफंड कर दिया जाएगा किसको सर रिफंड टू एक्सपोर्टर जिसने एक्सपोर्ट किया था उसको यहां पर रिफंड दे दिया जाएगा बाबू मेरे क्लियर है हाँ सर जी एकदम क्लियर है ठीक है जी सर गो रेगुलर क्लास में टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर इंक्लूड है या यूट्यूब से करना है बाबू सब सम शामिल है तो अकॉर्डिंग टू डिस्पेंसिपल हमारा जो क्रक्स निकल के आता है वो ये निकल के आता है फाइनली कि भाई कंज्यूम्ड इन इंडिया क्या कंज्यूम्ड इन इंडिया हो रहा है तो टैक्स विल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट ओनली और अगर कंज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया है तो टैक्स विल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया ओनली तो जो जहां पर कंज्यूम होगा टैक्स वहीं की सरकार के हिसाब से ही दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे हाँ सर जी ठीक है और कौन दिक्कत वाली बात नहीं है एक क्रेडिट कॉन्सेप्ट है आईटीटी के अंदर तो मैं तो तो, तो, तो मैं कोई चीज लाऊंगा शॉप से बट नहीं खाऊंगा किसी को एक्सपोर्ट कर दूंगा तो रिफंड हो जाएगा और ये मेरा बच्चा मेरा कबूतर लाल मेरा पीला हाँ लेकिन आपको इसके लिए एक्सपोर्ट के पूरे नियमों का पालन करना होगा अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको टैक्सेस का रिफंड उस पर मिल जाएगा जो भी इसमें टैक्स लगे हुए हैं ठीक इतना ध्यान में रख के चलेंगे एक बात दिमाग में रख के चलना एक बात टैक्स दो बार नहीं लगेंगे डबल टैक्स नहीं होगा एक ही बार लगेगा और वो सरकार लेगी जहां का बंदा उसे कंज्यूम कर रहा है जहां पर वो कंज्यूम किया जा रहा है पहले कोई टैक्स टूक्स लग चुका है तो उसे वापस करवा दिया जाएगा यहां तक क्लियर है कि नहीं है अब आगे आता है क्रेडिट कॉन्सेप्ट आता है इसके लिए मैंने ना एक डेमो रिकॉर्ड किया था अगर आपको दिखाऊं डेमो को अगर आपको पसंद हो तो एक मिनट रुकना एक मिनट एक मिनट रुकना बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटीसी के इस चैप्टर में और आईटीसी के क्वेश्चंस के साथ साथ जो आपका मेन फोर्टीन मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इसी चैप्टर में आपके लिए दिए हुए हैं तो इसलिए एग्जाम के लिहाज से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब हम आपसे डिस्कस करते हैं जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स

और ये कॉपर बनाते हैं देख सकते हैं ध्यान से ग्रेट उसके बाद अगले जो हमारे इस चेन में आते हैं नेक्स्ट वन कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर हैं, और ये बहुत शानदार सा कंप्रेसर बनाते हैं और कंप्रेसर का मॉडल भी इन्होंने यहां पे रखा हुआ है उसके बाद फिर इस कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हुए अगली स्टेज पर बनाया जाता है कार का एयर कंडीशनर एसी बनाया जाता है तो ये एसी सी मैन्युफैक्चर है और इधर यहां इनका ए रखा हुआ है उसके बाद ए की फर्दर सप्लाई करी जाती है और वो पहुंचता है कार मैन्युफैक्चरर के पास में और कार मैन्युफैक्चरर साहब हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहां से फिर ये इस एसी को कार में फिट कर देते हैं और ये मारुति की कार आप यहां पर देख रहे हैं और आइए आपको मिलवाते हैं सबसे बेहतरीन हमारे शख्स से और वो ऊपर देखिए वहां पर हमारी सरकार बैठी हुई है नमस्ते जी नमस्ते सरकार जी अब यहां पर आकर वापस हम अपने पूरे गेम को करते हैं और आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को ना समझना क्या बस खेलना है आपको मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं बस ठीक है अच्छा जी आपने क्या बनाया है कॉपर है कॉपर की वायर आपने यहां पर बनाई बहुत शानदार वायर बनाई है और ये आपकी कॉपर की वायर कितने की है हंड्रेड प्लस जीएसटी की हंड्रेड प्लस जीएसटी की वेरी गुड वेरी गुड और अब यहाँ से होगा क्या हाँ तो जो कॉपर की वायर आपने तैयार करी हुई है तो इसे खरीदने के लिए कस्टमर आता है कस्टमर यहाँ पर आते हैं और आपने कॉपर की वायर बेच दीजिए कितने की बेची आपने वन हंड्रेड एंड एटीन एक सौ अठारह रुपए की ग्रेट अच्छा आपके पास जो एक सौ अठारह रुपए आपको दे दीजिए गिन कर देना ठीक से एक एक रुपए का हिसाब होगा यहाँ पर आकर हंड्रेड प्लस 18, आप दिखाइए सौ रुपए ये रहे दस रुपए ये रहे और आठ रुपए पर आ जाते हैं और एक सौ अठारह रुपए आप यहाँ पर इनको पे कर देते हैं अच्छा जी और ये वायर लेकर अपने पास में चले जाते हैं अब मुझे बताइए ये आपके पास सौ प्लस जीएसटी आया जीएसटी एक टैक्स होता है क्या जीएसटी वाला पैसा भी आप रखेंगे या सरकार को देकर आएंगे सरकार को तो जाए बैठी सरकार आप अठारह रुपए उनको देकर आइए जाइए इसमें से अठारह रुपए आपने उनको देकर आने ठीक है सौ रखेंगे अपने पास में और एन रुपीज सरकार जी हिसाब बनाए रखना तो अपना ठीक है चलिए अठारह रुपए वहां पर देकर आइए गिनकर रखना आपसे बाद में हिसाब लिया जाएगा ठीक है ओके जी अब ये अगली स्टेज पर हम आ जाते हैं और यहां पर आकर इस वायर से बहुत ही शानदार सा ये एक यहां पर कंप्रेसर तैयार किया जाता है ये ये एक्चुअल एक्चुअल में में ही है ये है है कोई डमी नहीं कंप्रेसर और इस कंप्रेसर की जो वैल्यू रखी है इन्होंने वो है वन थाउजेंड प्लस जीएसटी अठारह परसेंट से जो कि एक सौ अस्सी रुपए हो जाता है अब एक हजार रुपये इसकी पूरी वैल्यू है मेरे फेस को भी दिखा के चलना ठीक है यहां पर आकर एक हजार रुपए इसकी वैल्यू है एक सौ अस्सी रुपए का इस पर जीएसटी पड़ जाता है बिल्कुल ठीक साहब लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या यह सही हुआ सरकार कह रही है इस पूरे के ऊपर जीएसटी लाई अरे भैया इस पूरे के अंदर ये वायर भी तो छिपी हुई थी अगर इस पूरे पर जीएसटी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप वायर पर दो बार टैक्स मांग रहे हो हाँ या ना तो क्या ऐसा होना चाहिए आप जब पूरे पे टैक्स मांग रहे हो गलत हो जाता है ऐसे में क्या बोलेगी सरकार सरकार बोलेगी चिंता मत करो क्यों दिक्कत करते हो आप इसमें लगी हुई अस्सी तो तो में आइए जरा यहाँ पर और ग्यारह सो अस्सी रुपए आप इनको यहाँ पर दे दीजिए दे दी ग्यारह सो अस्सी रुपए और इस प्रकार से लेकर अपने यहाँ पर चले जाते अब आपका टैक्स कितना बनता है एक सौ अस्सी रुपए लेकिन उस कंप्रेसर के अंदर जो वायर थी उस पर तो ऑलरेडी टैक्स जा चुका है तो सरकार क्या बोलेगी चलो भाई कोई बात नहीं इतना टैक्स आप आप मैं कम दे दिए यहां पर आकर तो आप उनको कितना पैसा दे पहले लग चुका था अब आप उनको कितना देकर आएंगे पैसा वन सिक्सटी टू रुपीज तो आप इसमें से वन सिक्सटी रुपी सिक्सटी टू रुपीज उनको देकर आएंगे यहां से कोई बात नहीं थोड़ा बहुत आगे भी चलेगा मैं आपकी मदद कर देता हूँ वन सिक्सटी टू रुपीज यहाँ से यहां, 162 रुपीज दे कर आएगा, लिखते आप लोग मुझे बताइए यहां तक आते आते इस स्टेज तक आते आते जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है उसमें अब तक टोटल टैक्स हमारा कितना बन गया है एक अगर मैं यहीं पर ब्रेक लगा देता हूं तो अब तक टैक्स बना एक सौ रुपए का सरकार अब तक आपके खजाने में कितने पैसे आए हैं एक सौ अस्सी रुपए आपके पास में यहां से अठारह रुपए वहां से आए थे और इसमें आपके पास में कितने 120, 120, तो आपके पास में एक सौ अस्सी रुपए वहां पर आ जाते वेरी गुड आइए अगले पायदान पर चलते हैं यहां पर आकर थोड़ा पीछे से यहां पर आकर हम देख रहे हैं कि इन्होंने कंप्रेसर अपना ये सॉरी कंप्रेसर से एयर कंडीशनर बनाकर तैयार कर दिया है और इस एयर कंडीशन की कीमत रखी है सरकार कहती है इस दस हजार रुपए के ऊपर जीएसटी चाहिए तो क्या सही किया है क्योंकि पूरे के ऊपर जीएसटी मांगने का मतलब यह है कि इसके अंदर यह भी तो इनबिल्ट है ये इसके अंदर इनबिल्ट हो चुका है और सरकार कहती है कि भाई साहब पूरे पर आप हमें जीएसटी दीजिए तो यहां पर यह गलत हो जाता है आपने कहा सरकार टैक्स ले लो मना नहीं करते हैं लेकिन टैक्स बनना चाहिए ये टोटल बन, बन रहा था, था एक हजार आठ सौ रुपए लेकिन इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है इसके ऊपर तो टैक्स ऑलरेडी सरकार आपको मिल चुका मिल चुका है ना यहां तक टैक्स आपको मिल चुका था तो इसका मतलब एक हजार आठ सौ रुपए माइनस कितना एक सौ अस्सी रुपए आपकी लाइबिलिटी क्या बनेगी यहां पर आकर एक हजार आठ सौ माइनस एक सौ तो अस्सी आ, वन सिक्स टू जीरो कितनी बनेगी वन सिक्स टू जीरो आप तो एक काम करो ये उठाओ जरा इस एसी को हम अगले वाले व्यक्ति को बेच देते हैं और यहां से पहले पैसा लीजिए आप अपना ग्यारह हजार आठ सौ रुपए पहले लीजिए वहां से आपको ग्यारह हजार आठ सौ रुपए देते हैं गिन कर लीजिए गिन कर देखना जी क्या ग्यारह आठ सौ ही है गिन लीजिए आठ सौ ये हो गए एक हजार ये हो गए और आपके यस यस, यस ग्यारह हजार आठ सौ आपके यहां पर हो जाते हैं आपकी लाइब्रेट क्या बनती है पर है वन जीरो। वन जीरो का का आप आगे आगे कर आपने वन जीरो का पेमेंट आगे कर दीजिए दिया सरकार सरकार हिसाब बनाए रखना के पास पहुंच चुके हैं अगर हम चेन को यहीं पर ब्रेक करते हैं यानी कि जो एसी बना हुआ है यहीं पर ब्रेक करते तो मुझे बताइए इस पूरी चेन में अब तक फाइनली कितना टैक्स पड़ा है एट द एंड स्टेज एक हजार आठ सौ रुपए का सरकार कितने पैसा है आपके पास एक हजार आठ रुपए सरकार के पास इस समय मौजूद है कैसे कैसे आए एक व्यक्ति ने दिए या अलग अलग, अलग ने दिए अलग, अलग अलग ने अठारह उन्होंने दिए थे आपने कितना दिया वन सिक्स टू जीरो, जीरो. यानी कि अठारह सौ रुपए आपके पास में आ चुके हैं यहाँ की यहाँ का हिसाब बराबर चल रहा है उसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरर के पास में कार मैन्यूफेक्चर ने ये जो अपना एसी था इस कार के अंदर आकर मारुति की कार है यहां पर आकर ये इनबिल्ट कर दिया है और इस पूरी कार की जो वैल्यू रखी गई इनबिल्ट करने के बाद जो पूरी वैल्यू रखी गई है वो निकल के आ रही है दस लाख रुपए दस लाख रुपए दस लाख रुपए आ रहा भाई साहब दस लाख रुपए यहां पर वैल्यू रख दी जाती है और जिसके ऊपर हालांकि कारों के ऊपर जीएसटी ग्रेट अट्ठाईस परसेंट का पर हम इलास्टेशन के तौर पे मान लेते हैं कि अठारह परसेंट का है ठीक है तो एक लाख अस्सी हजार रुपए की यहां पर बात हो जाती है मालिक अब आपके पास में एंड यूजर आता है आइए जी एंड यूजर आइए एंड यूजर यहां पर आ रहे हैं ठीक है सुनील गोंडी लिख दीजिएगा यहां से ये चेक आप निकाल कर दे दिया जाता है और ग्यारह लाख अस्सी हजार रुपए का चेक आप दीजिए यहां पर दे दिया गया और आप इनको गाड़ी की चाबी दे दीजिए ये रही गाड़ी की चाबी अब ये कार आपकी हुई है बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको गाड़ी आपकी हुई है अब मुझे बताइए इसके ऊपर जीएसटी कितना बन रहा एक लाख अस्सी हजार रूपए का बनता है एक लाख अस्सी हजार रूपये का जीएसटी एक लाख अस्सी हजार रूपये का जीएसटी आपका यहाँ पर बनता है लेकिन एक लाख अस्सी हजार का जीएसटी पूरी कार की वैल्यू पर है लेकिन ये ये जो इसमें इसके अंदर ये जो इसमें अंदर आपका ए सी लगा हुआ था ए सी के तक तो आपको जीएसटी मिल चुका था सरकार मिल चुका तो था ना अब बताइए पूरी कार पर जब तो हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या सही होगा गलत हो जाएगा ना क्योंकि भाई यहाँ तक तो टैक्स मिल चुका है इसका मतलब क्या होना चाहिए हो। एक, एक लाख अस्सी हजार में से जितना उनको मिल चुका है यहाँ तक का ए सी तक का मिल चुका है उतना अब कम देना चाहिए हाँ। तो अस्सी हजार माइनस कितना मिल चुका था तक आपको तो एक लाख अस्सी हजार माइनस यानी कि एक लाख के तवर है बनता था समझदार हो एक लाख अस्सी हजार बनता था इसमें से अठारह सौ रूपये वन अरे यार तो तो कमाल करते हो वन वन सेवन 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 सेवनटी एट टू, टू तो हंड्रेड का आप टैक्स उनको जमा करके आएंगे जमा करके आइएगा आप भी चेक है चेक वन सेवन एट टू हंड्रेड का चेक वहां पर देकर आ जाते हैं वन सेवनटी एट टू हंड्रेड का चेक वहां पर पहुंच जाता है सरकार अब मुझे बताइए आपके पास में यहाँ कितना टैक्स आया है जरा चेक करके बताइए अब पूरा फ्रेम लीजिए यहाँ पर आपके पास कितना टैक्स आया है सरकार जवाब दीजिए आप हमें कर यहाँ सरकार कैलकुलेशन में लगी हुई है और सरकार ने हमें जवाब दिया नहीं वही बताएंगे पूरा खदाची बने बैठे हैं यहाँ पर वो इस समय उनके पास कितना टैक्स आया है सरकार कितना आया एक लाख अस्सी हजार रुपए अब मुझे बताइए एक लाख अस्सी हजार किसी एक व्यक्ति से आपके पास में नहीं अठारह रुपए यहां से आए उसके बाद आपके पास वन सिक्स टू जीरो से आए वन सिक्स टू वन सिक्स टू जीरो यहां से आया और बाकी का आपको यहां से आया है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो व्यक्ति जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है फाइनली उसे उतने अमाउंट पर ही टैक्स भरना पड़ रहा है Am I right? जितने जितनी करी उतने पे भरेगा। यही है GST का basic concept और ये जीएसटी का उसी है जो जितनी वैल्यू एड करता जा रहा है उसे उतनी ही वैल्यू पर जीएसटी यहाँ पर भरना पड़ रहा है एक बात बताइए यहाँ पूरी चेन के अंदर कॉपर वायर से शुरुआत हुई थी और हमारी कार तक बन गई है सब आप बताइएगा यहाँ जीएसटी का लोड एक अस्सी का सरकार को अस्सी मिला इस एक अस्सी का लोड किसके ऊपर पड़ा है तो कंज्यूमर पे यू आर द रियल कंज्यूमर अब आप आके बेच नहीं रहे हैं बात है पर खत्म हो गई है एक अस्सी करोड़ आपके ऊपर पड़ा है यही द इनडायरेक्ट टैक्स का एक मेन फीचर होता है कि करता कोई और है और भरता कोई और है यानी कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट हो जाता है बिजनेसमैन के ऊपर लगाया जाता है जितने जितना काम किया होता तो टैक्स लगाया लेकिन एट द एंड कंज्यूमर को इसका लोड झेलना पड़ता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे अब यहाँ पर तो हम कह रहे थे कि भाई आपने अठारह रुपए दे चुके हैं उतना कम दे दो ये जो कम दे दो ये जो शब्द होता है इसी को बोलते हैं हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या इनपुट टैक्स क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो ये इनका इनपुट साइड है और ये इनका आउटपुट साइड है इनपुट साइड तो में जो भी आया जो टैक्स लगा उतना कम करके आगे पेमेंट कर दिया इनके अंदर से देखा जाएगा तो ये इनका इनपुट टैक्स हो गया ये इनका आउटपुट टैक्स हो गया जितना यहाँ पर पे किया उतना आगे कम पे करना पड़ जाएगा सिमिलरली आगे भी ऐसा कर दिया जाएगा तो ये था आपका कॉन्सेप्ट आई होप बात समझ में आगे होगी अगर कोई किसी को क्वेरी है तो आप मुझे बताइएगा आइए अब देखते हैं किताब की तरफ जय हिंद जय भारत हाँ, चल गया आप चल गया तो ये था मेरा एक डेमो और मुझे बताइए पहले बात अच्छे से आपको समझ में आ गई कि नहीं आई और सारी बातों का निचोड़ यही है भाई जो करेगा सो भरेगा जो जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा उसे उसी के ऊपर अपना जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है सुपर्ब मजा आ गया बस ऐसे ही मजे दिलवाऊंगा मैं आपको एंटायर बैच के अंदर आकर अब आप, आप कुछ देखिए दस बारह मिनट का ये डेमो था क्या दस बारह मिनट में रिकॉर्ड हो गया होगा मेरे बच्चा नहीं समय लगता है इकट्ठा करना पड़ता है सारे कलाकारों को इकट्ठा करना पड़ता है सामान इकट्ठा करना पड़ता है बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं तो मैं आपको ऐसे बातों को समझाने के लिए बहुत सारे डेमोज अपनी क्लासेस के अंदर देकर चलूंगा ताकि बात जड़ से समझ में आ सके मुझे बताइए बात मजा तो आया ही आया क्या ये बात भूल जाओगे कभी आप कि क्रेडिट होता क्या है नहीं भूलेंगे सर तो आइए वो सारी बात मैंने आपके यहां पर भी लिखी हुई है आप देख सकते हैं वही फिगर्स हैं वही चित्र हैं यहां पर आकर रॉ मेटेरियल भाई वायर बना एक सरकार को मिल गया अठारह रुपए ठीक उसके बाद वायर से बन गया यहाँ पर आकर कंप्रेसर तो पूरे कंप्रेसर पे लगा दिया जीएसटी एक सौ अस्सी रुपए का पर चूंकि इसमें लगे हुए वायर पे दे चुके थे उतने का घटा दिया बाकी सरकार को दे दिया ऐसे अगले पर जब एसी बन गया पूरा टैक्स आ गया और जितना अब तक दे चुके हैं उतना घटा दिया बाकी सरकार को दे दिया ऐसे ही कार बनी पूरी पे इतना आया जितना अब तक दे चुके थे उतना घटा दिया बाकी सरकार को दे दिया तो कुल मिलाकर ये आ गया आपके नब्बे हजार रुपये ये नब्बे हजार रुपये में आप देखिए हर व्यक्ति को अलग अलग पेमेंट करना पड़ा है इन्होंने कैश देना पड़ा इतने का इन्होंने इतना कैश दिया इन्होंने लगा किसी और पर लेकिन इसका जो लोड है वो पढ़ेगा यहां पर आकर एंड यूज़र अगर आप कार खरीद कर आए हैं खुद के लिए तो आपके ऊपर आपकी पॉकेट पर नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ का लोड यहां पर पड़ जाएगा यही है आपका इनडायरेक्ट टैक्स क्या मैं ये बोलूं कि यहां पर आकर जो बर्डन है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है क्या मैं ये बोलूं जैसे वह ऑडी कार खड़ी थी ऑडी कार का जो लोगो था वो ऐसे छल्ले थे क्या यहां भी व्यापारियों को कुछ ऐसे छल्लों में नहीं फंसा रखा कोई बच के क्या यहां से निकल सकता है द आंसर इज नो पर यहां पर एक सवाल और भी निकल के आता है सर एक बात बताइए सरकार ने ये क्या किया हर स्टेप पे टैक्स लगाया और जो लगा फिर क्रेडिट दे दिया फिर लगाया फिर क्रेडिट दे दिया फिर लगाया, फिर लगाया क्रेडिट दे दिया सर सरकार एट द एंड यहां पे डायरेक्ट टैक्स लगा देती सिंपल ऊपर कुछ करती ही नहीं सिर्फ और सिर्फ यहां कार पे आके टैक्स लगा देती पांच लाख और उसके ऊपर ये का टैक्स लग जाता बात खत्म हो जाती मतलब कि सेल होती है, को, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है सरकार ने यह का लोगों को क्यों फॉलो किया मेरी बात समझना ये पाइपलाइन देख रहे हैं आप ये बच्चों को डराने के लिए भी काम में लाई जाती है और बच्चों की कमर तोड़ने के लिए भी काम में लाई जाती है जो टेस्ट नहीं देते हैं एक बात बताइए अगर मैं इस पाइप में इधर से पानी डालता हूं थोड़ा नाप के डालता हूं पानी यहां से मैंने लिया भैया रे पानी इस बॉटल में और ये पानी है यहां से बीस एम नाप के मैंने लिया बीस एम एल क्या हुआ अरे हाँ बीस एम एल पानी लिया है सभी जादू देखेंगे यहां पे आके और मैंने इस सिरे से ये पानी डाला है अब कंप्यूटर पे ना आ जा पानी और यहाँ डाला है तो मुझे बताइए जितना पानी में डालूंगा उतना बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा हाँ निकला 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 ना हाँ निकला जितना डाला उतना ही निकला लेकिन लेकिन अगर इस पाइप में मैं कई सारे छेद कर देता हूं तो क्या जितना पानी डालूंगा उतना पानी वहां तक तो दूसरे सिरे तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो जितना पानी यहां से चला उतना ही आगे तक पहुंचा उसके लिए जरूरी है कि पाइपलाइन में कोई किसी प्रकार का छेद ना हो लीकेज ना हो तो अगर हम जो सोच रहे हैं कि भाई पूरी चेन पे क्यों टैक्स लगाते हो एट द एंड यहां पर आकर लगा लो तो ऐसा करने से क्या होगा ना कि यहां से पानी डलेगा 20 एम लेकिन लोग रास्ते में चोरी करेंगे लीकेज करेंगे और वहाँ एंड में सरकार तक पहुँचेगा पानी मात्र पांच एम एल पंद्रह एम एल पानी चोरी हो जाएगा लीकेज हो जाएगा इसलिए सरकार को ये पूरी पाइपलाइन को मजबूती के साथ चेक करना पड़ेगा भाई कहीं लीकेज ना हो जाए इसलिए कहा यहाँ लगाओ टैक्स फिर क्रेडिट बुक करो 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 ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है ऑडी के छल्ले की तरह एक दूसरे को फंसा रखा है कि बेटा बच के जाओगे तो कहां जाओगे ठीक ये सिस्टम पर इन्होंने बनाया है मुझे बताइए नहीं सर एकदम दिमाग में छप गया वेरी गुड जी सर जी तो ऐसे करके यहां पर है बट अल्टीमेटली बस इतना बोलूंगा कि हर व्यक्ति को जो जितनी वैल्यू एड कर रहा है और मुझे तो एक व्यापारी लोग मिले वो पता उनको सोचना क्या था क्योंकि लोगों की देखो सोच जानना भी बड़ा जरूरी होता है हर चीज किताबों में नहीं मिलती वो कह रहे सर जी मैं तो बस ऐसे सोचता हूं ट्रेडर आदमी है कि जो जो खरीद के लाता हूं उस पर टैक्स दिया है तो मैं बोलता हूं ये तो मुझे मोदी से लेना है और जो मेरी सेल बनती है उस पर जो टैक्स बना ये मैंने मोदी को देना है ये मोदी से लेना है ये मोदी को देना है जो डिफरेंस है वो उनको देना है बात खत्म यही तो है परचेज पे पर जो पे कराए वो से लेना बन गया क्रेडिट मिल गया ये देना बनता है सेट ऑफ करो बात खत्म जो आपका एडिशन है एडिशन के ऊपर नेट आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है <coughs> सर एक बात बताइए क्या ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ सौ रुपये की लेकर आते हैं अठारह रुपये का जीएसटी एक सौ अठारह हो गया ठीक है और हमने इसमें पचास रुपये का वैल्यू एडिशन करके इसकी वैल्यू बना दी एक सौ पचास रुपये की ठीक हाँ सर जी और बना के फिर हमने क्या किया इसमें कि जीएसटी आया ट्वेंटी सेवन रुपीज का वन सेवेंटी सेवन हो गया सर हम कितना बड़ा नाटक कर रहे हैं अभी कि हम यहाँ दिखाते हैं कि हमारा जो आउटपुट जीएसटी आ रहा है आउटपुट साइड में जो हमारा जीएसटी आ रहा है वो ट्वेंटी सेवन रुपीज का है और इनपुट साइड में जो हमारा इनपुट था जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से हम लोग बुलाते हैं इनपुट टैक्स क्रेड हमारा अठारह रुपये का था जो मोदी से लेना है तो नेट हमें नौ देना है हमने ये इतनी कैलकुलेशन पर निकाला सर ये कितना आसान था अल्टरनेट तरीका से निकालने का सर तरीका आसान ये था कि भाई ये बताइए ये। ये 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 पचास है ना अरे वेरी सिंपल पचास इन तो अठारह परसेंट नौ रुपये वही तो आ गया नौ रुपये इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्या जरूरत थी पहले पूरे पे लगाया फिर ये वाले पैसे जो था वो घटाया इतना सब नाटक करने की जरूरत क्या थी हम बताएं ये नाटक नहीं होता अगर हिंदुस्तान में जीएसटी का रेट एक होता सिंगापुर की तरह है। अगर मेरा रेट यहां पर ये अठारह परसेंट यहां पर अठारह परसेंट दोनों जगह एक जैसा रेट है फिर तो मेरा ये मेथड भी वही करेगा और ये मेथड भी मेरा वही काम करके चलेगा लेकिन अगर मैं इसी केस में बोल दूं कि भाई जरा बताना क्या होगा कि अगर यहां जो मेरे वैल्यू है प्रोडक्ट की वो सौ रुपए की थी और इस बार जीएसटी का रेट इस पर मेरा पाँच परसेंट का है ये पाँच रुपये आ गया एक सौ पाँच यहाँ पर हो जाता है वैल्यूडेशन मेरा पचास रुपये का यहाँ आता है एक सौ पचास की बात हो जाती है और इस पर अठारह परसेंट का जीएसटी आता है ट्वेंटी सेवन रुपीज़ का वन सेवेंटी सेवन ये हो जाता है अगर मैं मेरे देसी तरीका से निकाल कर देखूँ तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर सर जी मेरा जो आउटपुट जीएसटी निकल कर आ रहा है वो ट्वेंटी सेवन रुपीज का है ठीक <coughs> यहाँ पर मेरा जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बना था आ, सर जी वो बना है इधर आके पाँच रुपए का ठीक है जी क्या बचाव बाईस रुपये का मुझे नेट भरना पड़ेगा क्या मेरा जो शॉर्टकट मेथड है यहाँ काम करेगा चेक करते हैं पचास रुपये है अब पचास रुपये मल्टीप्लाई किसकी करूं अठारह परसेंट की या पाँच परसेंट की सर जी अट्ठारह की करो अच्छा अठारह की करता हूं तो ये कितना आता रे अठारह की करता हूं तो अपना ही भाई रे नौ पे यहां पे निकल के आता है जबकि ये आना चाहिए था बाईस रुपए तो यहां पर आकर ये चक्कर गलत पड़ जाता है तो दिस मेथड जो शॉर्टकट मेथड है, इट वर्क्स ओनली वेन आपके इनपुट और आउटपुट साइड के जो, रेश, जो रेट जो टैक्स रेट हैं, वो बराबर हो लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं देखने को मिलता है इसीलिए मालिक यहां पर आकर ये बात आपकी यहां करने को मिलती है कि हम अपना ग्रॉस मेथड ही अप्लाई करके चलते हैं भाई पूरा देख लो पूरा क्रेडिट ले लो जो जो टैक्स भर के आए हो तो वैसे करके नेट आपको यहां पे जमा कराना होता है राइट यस सर अब मालिक आगे की तरफ आगे आता फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आपके जनरल नॉलेज के लिए दिया गया है एग्जाम में क्वेश्चन वोश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा फिर भी देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है जी क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता पर मैं हाँ वो जो वाहियात चीजें है हैं, हैं क्या है? revenue, जो बेकार चीजें होती है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें आपका जीएसटी भी शामिल हो जाता है क्या बोलता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बताए आपको आपका 50 परसेंट कलेक्शन जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से होता है और 50 परसेंट कलेक्शन हमारे देश का इनडायरेक्ट आईडीटी से कलेक्ट किया जाता है लगभग लगभग भगवान झूठ ना बुलाए लग भग लग भग लाख करोड़ सोलह से अठारह लाख करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन है वो अकेले जीएसटी से आपका हो जाता है इतना ही लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कलेक्शन आपके जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनसे हो जाता है और आपको पता है जीएसटी आने से पहले साराई कलेक्शन डी टी का मिला के सोलह से अठारह लाख करोड़ के आसपास का हुआ करता था लेकिन जीएसटी आने के बाद अब अकेला ही जीएसटी इतना कलेक्शन करके दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जीएसटी ने चीजों में कितनी मजबूती ला कर दी है कितनी लीकेज को रोका है और उस लीकेज को रोकने के पीछे सरकार का ये सिस्टम ही है जिन्होंने छल्ले बना रखे हैं कि भाई यहां पे करो क्रेडिट बुक करो पे करो क्रेडिट बुक करके चलो और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस uh, देखेंगे लॉ के अंदर कि जहां से चोरी करनी नामुमकिन सी सरकार ने कर दी है और फिर भी कोई करता है तो उसकी कमर पे लठ बजाए जाते हैं नोटिस पे नोटिस आ जाते हैं और ऐसे की तैसी कर दी जाती है ये टैक्स गुड्स या सर्विस के ऊपर लगाया जाता है बिल्कुल ठीक बात है गुड्स या सर्विस यानी कि जो बिजनेस होते हैं बिजनेस करते हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स की बात करी जाती है अदरवाइज तो नहीं होती क्या बोलता है इट इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेस एट द टाइम ऑफ मैनुफैक्चर और और सेल ये सेलुफेक्चर वर्ड काट देना एट द टाइम ऑफ और सेल ऑफ या परचेजोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त या सर्विस देते वक्त ये आपका टैक्स यहां पर लगाया जाता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन कैसे अरे कैसे भाई शिफ्टिंग ऑफ बर्डन कैसे सर ये ऐसे कि यहां से ये बॉल ऐसे उछाल दी जाती है एक दूसरे पर वो चार्ज करते रहते हैं और एट द एंड जब एंड कस्टमर आ जाता है जब कंज्यूमर उसका आ जाता है तो चीज़ें वहां से आगे जाना बंद हो जाती हैं और सारा का सारा लोड उसी के ऊपर पड़ जाता है आपने कभी वो गेम खेला है म्यूजिकल चेयर वाला या या म्यूजिकल चेयर छोड़ो कि म्यूजिक बजाते घर पे जैसे खासतौर पे हमारे घर में भी होता है बर्थडे वर्डे पार्टी हो रही होती कुछ हो रहा होता है तो एक कुशन होता है पिलो कह सकते हैं आप उसे गाना बज रहा होता है और वो एक दूसरे की तरफ उछाल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके एट द एंड जब गाना बंद होगा तो देखा जाएगा वो किसके हाथ में रहेगा ठीक है तो भाई फिर उस व्यक्ति को वहां पर आकर सोलो डांस करना होता है या जो भी उसको है नियम बनाया गया उसको करना होता है सारा लोड उसके ऊपर आकर रुक जाता है तो ऐसे यहां पर है कि चेन में वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा लेकिन जैसे ही वो आगे एंड यूजर आ जाएगा वहां से आगे सेल होनी बंद हो जाएगी और सारा टैक्स लोड उसी व्यक्ति के ऊपर आ जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे हाँ जी तो दिस इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन टू एंड यूजर फॉर एग्जाम्पल जीएसटी पेड बाई सप्लायर ऑफ द गुड्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर जो भी मैं दे रहा हूं आपसे रिकवर करता हूं और पे कर देता हूं बाय द बायर बाई इंक्लूडिंग द टैक्स इन द कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी तो जितने में आपको सर्विसेज अपनी बेची हैं उतने उसमें आपका जीएसटी भी शामिल है तो टैक्स के साथ आपसे पैसा कलेक्ट करते हैं और सरकार को पे कर देते हैं मुझे बताइए जब आपने मेरी फीस का पेमेंट किया ईमानदारी से बताना आपका माइंड सेट क्या था आपका माइंड में कहीं यह था कि आपको टैक्स भरना पड़ रहा है कि आपके माइंड में कहीं था कि आपके जब से टैक्स के रूप में पैसा जा रहा है आप कार खरीद के लाते हैं बारह है लाख रुपए की आपके दिमाग में इतना सा भी पिंच होता है कि टैक्स और भरना पड़ रहा है आपको नहीं होता पिंच आपको लगता है कि पूरे के पूरे बारह लाख सिर्फ कार के लिए ही है वो अलग बात है कि उसमें से लाखों रुपए टैक्स का होता है टैक्स निकाल दिया तो शायद कार आपकी वो दस लाख या उससे कम की रह जाएगी लाख से भी कम की कार रह जाएगी आपकी वो तो आपको पिंच नहीं होता आप बाजार से कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं चॉकलेट खरीदते हैं चिप्स खरीदते हैं बीस रुपए का पैकेट कभी दिमाग में कभी ख्याल नहीं आता कि आपकी जेब से टैक्स जा रहा है आपको चुभन नहीं होती है हमें होती है चुभन जब हम सरकार को टैक्स भर रहे होते हैं तो देखिए कैसा सिस्टम है यही तो माया है जिसकी जेब से पैसा जा रहा है उसको चुभ तक नहीं रहा है ना और वाकई में जिसकी जेब से नहीं जा रहा जो लेके दे रहा है उसकी स्थायसी हो रही है उसको चुभन हो रही है आप देख रहे हैं जिसका है उसे कोई फिक्र नहीं है उसे कोई होश नहीं है कि उसकी जेब से टैक्स जा रहा है और जिसका वो पैसा ही नहीं है जिसका काम सिर्फ लेके देना है वो मरा जा रहा है वो मरा जा रहा है यही माया है और कुछ भी नहीं है मालिक ठीक वो चोरी पर चोरी कर रहा है वो जेल तक जाने को तैयार है और बेचारा एंड यूजर दे रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पिंच नहीं करता बे क्या बोलते हैं सेंसर वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जनरली इन बिल्ट इन द प्राइस इनबिल्ट होती है कार की वैल्यू चॉकलेट की वैल्यू कुर्सी की वैल्यू टीवी की वैल्यू लैपटॉप की वैल्यू अलग से देखने को मिलती नहीं है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर पे द सेम विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट इज पेइंग टैक्स उनको पता नहीं चलता भाई टैक्स पे कर रहे हो सिगरेट की डिब्बी भाई इतने की आती है दो सौ रुपए की ढाई सौ रुपए की आती है ठीक है पता ही नहीं आपको इतना हैवी टैक्स उसके अंदर छिपा हुआ है वो दिखता ही नहीं है आपको दस टैक्स पेयर डजेंट अ डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग द इन टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें माया जाल बुना गया है यहां पर आकर सर जो नवंबर चौबीस के लिए रेगुलर बैच कब से शुरू होगी फेबररी मान के चलो जो रिजल्ट आएगा फाउंडेशन का उसके एक हफ्ते के बाद हम शुरू करेंगे तो मोस्ट प्रोबली इट विल बी द बाईस तेईस फरवरी के आसपास हमारा बैच शुरू हो जाएगा नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए लाइव यस सर या या सर डेमो क्लास अबे एग्जाम ओरिएंटेड बैच है आपका ये ठीक सर जी आगे चलो इन फ्लैश इनफ्लैशनरी सर मतलब वो कैसे वो कह रहा है कि इसका ना महंगाई से बड़ा गहरा रिश्ता है तो बताइए इनडायरेक्ट टैक्स का महंगा इसे क्या संबंध है भाई देखो इसका गहरा संबंध है आप लोगों से यानी कि एंड यूजर से अगर कल को कोचिंग क्लासेस या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं कह रहा हूं कारों के ऊपर कल को बताइए अगर जीएसटी बढ़ जाता है है इसके ऊपर बढ़ जाता है जीएसटी है या फिर भाई रे मैं कह रहा हूं एक छोटी सी बात बताइए या इसके ऊपर जीएसटी बढ़ जाता है लो जीएसटी बढ़ गया अब क्या इनके रेट डायरेक्टली बढ़ नहीं जाएंगे है तो इनडायरेक्ट टैक्स निकम्मा पर जैसे घटेगा बढ़ेगा ये प्रोडक्ट की कीमतों को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा तो महंगाई घटने बढ़ने का एक बड़ा कारण होता है आपका जीएसटी सर ये कारें रखी हुई आपने हाँ मैं खेलता हूं इनसे ब्रेक में चलाता हूं उनको मैं चलती है ये बहुत सारे खिलौने मेरे पास में ये तो करता हूं स्टूडियो में करता क्या हूं ब्रेक में मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ हाँ है तो इनडायरेक्ट निकम्मा पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है गुड्स और सर्विसेस एंड लीड्स टू इनफ्लेशनरी ट्रेंड हा आप एलडा सी एम ए पढ़ाते हो ना हाँ हाँ सही कह रहा बच्चा एल्ड यही अपना बाबू सी राजकुमार क्लासेस भी अपना है तो ऐसे करके है <clears throat> वाइडर टैक्स बेस ओय बेस बेबी को बेस पसंद है लेकिन यहां किसको क्या पसंद है जरा बताइएगा किसका बेस बड़ा है एरिया किसका बड़ा है इनकम टैक्स का बेस बड़ा है या फिर जीएसटी का बेस बेस समझते हो ना जोग्राफिकल की बात कर रहा हूं निकम में जो किसका बड़ा है सर जी हम बताएं, हम बताइए सर जी उसका बड़ा है <laughs> शिव 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 जीएसटी का बेस बड़ा इंड टैक्स का वो कैसे देखिए इनकम टैक्स का क्या है एक लिमिट के बाद आप इनकम कमा रहे हो जो गरीब आदमी बहुत कम कमा रहे हैं बेचारे उनको इनकम टैक्स छूता भी नहीं है लेकिन जो व्यक्ति भिकारी भी है उसकी जेब से भी सरकार जीएसटी का पैसा निकाल लेती है भीख वाले पैसे में से भी कैसे माचिस खरीदेगा गुटका खरीदेगा तंबाकू खरीदेगा कुछ भी तो खरीदेगा यार पानी तो पिएगा हाँ एक माचिस भी खरीद रहा है उस माचिस में भी जीएसटी का लोड है और पता है जीएसटी की नजरों में सब एक है अमीर गरीब जात पात किसी में भेद नहीं करता माचिस चाहे भिकारी खरीदे तो भी जीएसटी का रेट वही है अंबानी खरीदे तब भी जीएसटी का रेट वही है चॉकलेट गरीब का बच्चा खरीदे चाहे अमीर का बच्चा खरीदे रेट बराबर है सबका मालिक एक है जय साई राम समय समान भाव देखता है इसकी नजरों में स्त्री पुरुष सब एक है बूढ़ा बच्चा जवान जात पात ऊंची सबको समान भाव से देखता है इसे बोलते हैं रेग्रेसिव क्यों कोई आए कोई जाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा यह अपनी जगह पे स्थिर रहता है लेकिन जो इनकम टैक्स है आपका वो देखता है कि बेटा देने वाला कौन है वो हिसाब से काटता है अच्छा अच्छी खासी इनकम है लगाओ साढ़े चार हजार ठोको इसके ऊपर पचास लाख से ऊपर है तो ठोको एक करोड़ से ऊपर है तो और ज्यादा ठोको तो वो कह रहा है जो जितना कमाई करने वाला उसको उतना तो ही तो ठोका जाता है तो व्यक्ति का स्तर देख कर वो बात करता है लेकिन तो उसे बोलते प्रोग्रेसिव नेचर का है और मेरा जीएसटी रिग्रेसिव नेचर का है तो एक तो इसका बेस बड़ा है क्योंकि शायद हर व्यक्ति को ये छू कर जाता है हर व्यक्ति को शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ये छू करना गया हो तो ऐसे मानिए मेरा जीएसटी तो एक हवा का झोंका है जो सबको टच मारता है भाई इसको भी यहां पे टच मार के जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव अ वाइडर टैक्स बेस एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस आर लाइबल टू तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई एक ऐसा इंसान बता दो जो इनडायरेक्ट टैक्स जिसे छू करना गया हो यस सर रिग्रेसिव इन नेचर है हा जर्नली द इंडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर द रिच एंड दुअर हैव टू पे द सेम रेट ऑफ इंड टैक्सेस ऑन सर्टन कम्युनिटीज ऑफ मास कंजन और यह प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को आप देख रहे हो भाई साहब सरकार क्या क्या तर्क और विर्क बनाकर देती है हम हम जो गंदी गंदी चीजें हैं उनको डिमोटिवेट करते हैं हम चैनी खैनी चैन चैनी खैनी चैन से मजा लो मजा थोड़ी देर आता है फिर दिक्कतें हो जाती हैं तो जो चैनी तंबाकू है हम उसके ऊपर भाई और बहनों हम नहीं चाहते कि आप तंबाकू खाएं इसलिए हमने उसके प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया बाय इंपोजिंग हैवियर टैक्स रेट अट्ठाइस परसेंट का जीएसटी लगता है और एक कॉम्पनसेशन सेस करके नाम चीज और होती है वो इसके ऊपर ठोका जाता है साहेब इसलिए ये आपका बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो प्रोडक्ट के जो डिमेरिट आइटम है गंदी गंदी चीजें हैं तो सरकार कह रही है कि इनके ऊपर ज्यादा टैक्स रेट चार्ज करके हम महंगा कर रहे हैं ताकि डिमांड घटे अरे भैया थोड़ी सी इकोनॉमिक्स तो हमने भी पढ़ रखी है जो हैबिचुअल नेचर की चीजें होती हैं तंबाकू जैसी चीजें होती हैं वहां पर कोई इकोनॉमिक्स का काम नहीं करता इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड काम ही नहीं करती है आप सिगरेट पांच रुपए से चाहे पचास रुपए कर दीजिए पीने वाला पिएगा घर के बर्तन बेचे पत्नी का मंगल सूत्र बेचे पीने वाला पिएगा उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे क्या बोलता है सुनिए जरा हाई टैक्सेस आर इम्फोज

ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है ठीक सर जी हाँ सर जी। पर सर, पे तो जीएसटी दिखता है तब तक आप पैसे दे चुके होते हो इनवॉइस पे जीएसटी दिखता है आप पैसे दे चुके होते हो तब तक ठीक है आपने मेरा इनवॉइस देखा और देख लेने से भी पता नहीं क्यों कुछ असर पड़ता ही नहीं है आपने क्लास परचेस करी मान लीजिए छह हजार दो सौ पचास रुपए की इसका ब्रेकअप भी आपको इनवाइस में देखने को मिलेगा पहले तो आप देखते नहीं आप बॉटम वाला प्राइस देखते हैं इतने का है कि नहीं है असर ही नहीं पड़ता कंज्यूमर पता नहीं कैसे मेंटेलिटी बना दी गई है छह हजार दो सौ पचास जो मैं ले रहा हूं इसका प्राइस है 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 ये ये बात बात खत्म ठीक है जी अब एक और जीके जीके की बात यहां पर हो रही है। जीके का मतलब यह कि आपको एग्जाम नहीं देख के जाना है चीजें बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में अगर हम डिफ्रेंशिएट करने बैठे तो कैसे कर सकते हैं नंबर एक डायरेक्ट टैक्स का लोड डायरेक्टली पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स का लोड इनडायरेक्टली पड़ता है बिल्कुल ठीक है सर जी और कैसे भला बर्डन ऑफ टैक्स द पर्सन ऑन इट इज इंपोस्ड कलेक्ट द सेम अमाउंट फ्रॉम अल्टीमेट कस्टमर उससे कलेक्ट करता है जबकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था इनकम टैक्स करोड़ खुद की मेरी ही जेब पर पड़ रहा था नेचर कैसा होता है ये रिग्रेसिव नेचर का होता है ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है रिग्रेसिव मतलब संभाव रख के चलता है सबको एक नजर से देखकर चलता है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता मालिक ऊंच नीच का अच्छे बुरे का यह प्रोग्रेसिव नेचर का होता है ठीक है जी उसके बाद में आगे बोलते हैं यहां पर आकर टैक्स बेस तो करना है इसका बड़ा होता है इसका छोटा होता है नैरो होता है अच्छा कलेक्शन वही चौदह से सोलह लाख करोड़ के आसपास वही अब तो बढ़ती जा रही है खैर आप पकड़ तो सकते ही नहीं इसको सरकार दो लाख करोड़ महीने का आंकड़ा लेकर चल रही है कि अब हम इतना कमाएंगे है ना उसकी तैयारियां सरकार करके चल रही है तो इतना पहुंच जाता है इनफ्लेशन को इनकम टैक्स अगर बढ़ता है तो महंगाई पर असर पड़ेगा क्या यह तो नहीं करेगा इनकम टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई पर क्या असर पड़ेगा हाँ लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स वो डायरेक्टली इनफ्लैट करता है उससे चीजें बदलती हैं इफेक्ट ऑन पर्सन क्या पड़ेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्टली अफेक्ट यानी अल्टीमेट कंज्यूमर को और ये जिसके ऊपर लगता है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करके चलता है ये होता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर और ये होता है के ऊपर चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सैलरी वाले हो ये सबको पकड़ता है एग्जाम्पल जीएसटी एग्जाम्पल इनकम टैक्स लेकिन ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर बताइए पूछा नहीं जाएगा बस थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए यहां पर बता दिया गया है और बाबू इसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे हाँ सर जी एकदम ठीक है दिक्कत वाली दी जाती है, ये वर्थ नहीं होती है ये परचेज करना होगा आपको ये वेबसाइट ये मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूं दिस इज माई वेबसाइट सी राजकुमार डॉट कॉम यहां पर आप जाइएगा और यहां पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं ये यहां पर आकर ये इंटर पे जाएंगे एंटर पे जाके आप देखेंगे मालिक यहां पे आके तो फास्ट फास्टैग पे आप करेंगे तो आपको यहां पर ये यह दिख जाएगा ऐसे करके ठीक है जी हाँ सर ठीक है कॉम्बोज भी इसमें सर, सर कॉम्बोज बना हुआ तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं ले सकते हैं जाके तो वैसे करके ठीक है या, 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 या। हाँ वही तो अब बात करते हैं आगे की तरफ इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हमने अब तक क्या देखा हमने सबसे पहले देखा कि भाई जरा नज़र डाल के देखें एक बार हमने जो देखा अब तक वो देखा कि भाई रे अपना टैक्स का जन्म ही क्यों हुआ टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का होता है वो भी हमने देखा पहचान देखी हमने डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को सुना हमने मजे की बात क्रेडिट का पूरा कंसेप्ट देखा क्रेडिट कंसेप्ट देखने के बाद हमने फीचर्स देखे कि भाई हमारा इंडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं और दोनों में अंतर क्या है वो अंतर की भावना भी हमने यहाँ पर आकर देख ली है अब यहां से शुरू होता है आपका जीएसटी का सफर कि आखिरकार सरकार को हिंदुस्तान में जीएसटी क्यों लाना पड़ गया था मालिक तो इसके लिए क्या आप तैयार हैं हां सर जी हम तो कब से तैयार बैठे हैं हम तो कब से तैयार बैठे हैं तो सुनिए बाबू मेरे बात ऐसी थी कि पुराने समय के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि पहले अलग अलग तरह के बड़े गंदे गंदे टैक्स हुआ करते थे नाम भी उनके बड़े अजीब अजीब से थे आप लिख सकते हैं जहां नोटिंग की जरूरत है ना हाँ बाबा की बूटी जिस ऑफ जीएसटी अपडेट नहीं किए फ्री रिसोर्स में हाँ अपडेट है आप चेक कर सकते हैं जाके आप चेक कर सकते हैं कर रखे है हमने अपडेट कर रखा हमने अपडेट जी साहब तो पहले ब्रेक लोगे या नहीं लोगे जैसी आपकी मर्जी हालांकि ब्रेक ब्रेक देने का कोई मूड सा तो बन नहीं रहा लेकिन फिर भी चलो आपको ब्रेक देते हैं फटाफट से हम और ब्रेक है आपका सत्रह हो रही है ब्रेक है तेरह मिनट का आपका थर्टीन मिनट का आपका ब्रेक है मालिक और ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूं ठीक है सात बजकर ठीक तीस मिनट पर हम मिलते हैं ठीक है ब्रेक Okay. <laughs> चलो रे ब्रेक ओवर हो गया भाई जो जो कबूतर जहां जहां पर बैठे हुए हैं अपने पेड़ों की शाखाओं से उठकर बाबा जी के इस क्लास में आ जाए ब्रेक ओवर हो चुका है और हम बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ ठीक है यस सर सर क्या इस बैच में जीएसटी पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जाएगा सब सारे फीचर्स मिलेंगे कम समय में मिलेंगे ये वादा है हमारा आपसे यस दिस बैच विल बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पोर्टल ओके सर जी तो बाबू बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम कहां तक चले आए थे तो हम आपसे ये बता रहे थे यहां पर आकर कि भाई इंट्रोडक्शन टू जीएसटी आखिरकार जीएसटी हिंदुस्तान में लाना क्यों पड़ा था ये भी ना आपकी जीके के लिए ही है शुरुआती दौर में इन क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंस हुआ करता था जीएसटी क्यों आया कैसे आया अब तो आए हुए बहुत साल हो गए अब कौन पूछ रहा है क्यों आया आ गया मतलब आ गया सर कितनी क्लास फ्री चलेंगी तीन क्लास यूट्यूब पर फ्री होंगी टाइमिंग क्या रहेगी आज तो मैंने फाइव थर्टी क्लास शुरू करी है बट हम सोच रहे हैं कि पाँच बजे से लेकर वही आठ बजे के आसपास तक दस पंद्रह मिनट का ब्रेक तो वही ढाई घंटे के आसपास आस पास ढाई पौने तीन घंटे के आसपास से क्लास रहेगी तो ऐसे करके हम इसको कवर करके चलेंगे पाँच से आठ की टाइमिंग है तो सारे काम छोड़कर हमारे साथ बैठिएगा पाँच से आठ में और बाकी अपने पेपर की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए यस सर मेरा बच्चा शान कितना अच्छा है सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा है मेरा बच्चा आई एम प्राउड ऑफ यू तो यहाँ पर जीएसटी आने से पहले आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के टैक्स लगा करते थे जितने मुंह उतनी बातें कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पुराने समय में कुछ ऐसा ही बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग तो उसके ऊपर लगाई जाती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करके मुन्ना हाँ और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति सेल कर रहा है सेल में दो बातें थी इंट्रास्टेट कर रहा है या इंटरस्टेट इंटरस्टेट करता है तो वैट लगाया जाता था यानी कि विद इन द स्टेट यानी यूपी से यूपी में ही कर रहा है और अगर वो सेल कर रहा है यहां पर आकर इंटर स्टेट तो भाई मेरे उस पर लगता था आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी अपना लगाया जाता था कोई व्यक्ति अगर सर्विसेज में डील कर रहा है क्योंकि ये बातें तो आपके गुड्स के संबंध में हो गई अगर सर्विस दे रहा है तो उस पर लगाया जाता था सर्विस टैक्स अगर किसी ने बॉर्डर पार किया तो उस पर ऑक्ट्रोय लगती थी एंट्री फीस लगती थी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था इतने तरह के चुन्नू मुन्नू टाइप के बहुत सारे टैक्स सरकार ने बना रखे थे तो लोगों ने सरकार से कहा तुम्हें तो टैक्स चाहिए पर ये इतने नामों से क्यों बांट रखे हैं इतने लॉस क्यों बना रखे हैं कोई एक ले लो ना सौ सुनार की ना मार के एक लोहार की मारो ना कैडी करके तुम्हें टैक्स चाहिए ले लो ना जान जानको लेते हो यार ले लो टैक्स मना नहीं कर रहे हम तो सरकार ने सत्रह तरह के टैक्सेस को खत्म करके एक शानदार सा टैक्स बनाया नाम दिया इसे जीएसटी का ऐसे मानिए जैसे कि सरकार ने जो झोपड़ जो पट्टी थी झुग्गी झोपड़ियां जिसने जहां मर्जी डाल ली उन झोपड़ पट्टियों को हटाकर उस जगह पर एक शानदार सा कॉम्प्लेक्स बनाया है और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों को रखा गया जो पहले जुब्गी झोंपड़ी में रहते थे हर चीज अब यहां पर व्यवस्थित है पानी की बिजली की अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं हैं पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म है पहले कुछ पता नहीं चल रहा था जिसका जहां मन रहा था वहां जुब्गी झोंपड़ी डाल रहा था लेकिन अब सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से हैं तो अगर मैं पहले सिस्टम को अब से कंपेयर करके चलूं तो मैं क्या पाता हूं नंबर एक पुराने समय के अंदर ना मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे अलग अलग नामों से लेकिन अब सरकार ने कह दिया है सबका मालिक एक है वन नेशन है वन टैक्स है अकेला काशी काफी है, I mean है। सत्रह है मरे और एक चार भाई हैं चारों की शादियां हो गई चारों अलग अलग हो जाते हैं घर में चार चूल्हे चलते हैं तो सारा काम चार जगह बट गया चार जगह खाना रोटियां बनेंगी चार जगह सब्जियां बनेंगी चार जगह झाड़ू चलेंगी चार जगह तो अलग अलग हो गया सब कुछ लेकिन अगर कैसा हो ज्वाइंट फैमिली हो सारे इकट्ठे एक बहुरानी चूल्हा चला रही है एक झाड़ू लगाई जा रही है एक बर्तनों पे लगी हुई है मिलजुल कर एक प्रेम भाव के साथ अगर सारा काम किया जाए तो कितना अच्छा रहता है ना यार लेकिन नहीं आजकल तो बस पूछो मत क्या कर सकते हैं तो पहले सबके चूल्हे चौके अलग अलग हुआ करते थे सत्रह तरह के टैक्स सत्रह तरह के लॉ जितने तरह के मुंह उतनी तरह की बातें बनी हुई थी सबका अलग ही सीन था कोई ऐसे चलता था कोई ऐसे चलता था किसी की जीप निकली हुई थी लेकिन आप सबको तोड़ मोड़ के अलग स्क्रैप किया और एक नया बनाया आपका जीएसटी जो ढंग से चलता है प्रोफेशनल तरीके से चलता है ऐसे करके ठीक है तो मल्टीपल प्रोसीजर हुआ करते थे कि अलग रजिस्ट्रेशन होगा अलग ये होगा अलग अकाउंट्स बनेंगे इनवॉइस अलग से कर देंगे लेकिन आप सब इकट्ठे हैं जो होगा एक जगह होगा ज्वाइंट फैमिली बना दी सबकी मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थी कहते जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है कर्मों के मुताबिक उसे सजा मिलती है जो शराब पीता है उसे गर्म तेल के पकौड़े में डाला जाता है ठीक है ऊंची ऊंची चट्टानों से नीचे गिराया जाता है उल्टा करके नुकीले पत्थरों पे ऐसी सजाएं दी जाती है जो, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके हिसाब से तो पहले कोई व्यक्ति ने मैन्युफैक्चरिंग करने का गंदा काम कर दिया है तो सजा मिलती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में अगर किसी ने गुड्स को बेचने का महापाप कर दिया है तो वैट या सीएसटी के रूप में सजा मिलती थी लेकिन अब तो मतलब जितने टैक्स थे सबकी अपनी अपनी थी आई मीन टू से सबकी अपनी अपनी कारण थे होने के सबकी अपनी अपनी थी वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे <laughs> सबकी अपनी अपनी क्या थी वे टैक्सीबल इवेंट हाँ याद आ गया वो वो नहीं जो आप सोच रहे हो सबकी अपने अपने टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी ठीक लेकिन अब जब सत्रह की जगह एक कर दिया है तो उसके होने का जो कारण है जो टैक्सेबल इवेंट कही जाती है कि इस वजह अगर ये होगा तो जीएसटी लग जाएगा वो भी तो एक ही होगी ना हाँ सर तो वो बना दी गई है यहां पर सप्लाई सत्रह टैक्स तो सबकी अपनी अपनी शादियां हुई सत्रह बहुएं घर में आएंगी अब टैक्सी एक हो जाएगा तो भाव तो घर में ये किया कि सत्र थोड़ी ना आएंगी वे हाँ राजाओं का जमाना थोड़ा ना चल रहा है तो यहाँ पर एक टैक्सेबल इवेंट बनी जिसको नाम दिया गया सप्लाई 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 करके कि सप्लाई होगी तो जीएसटी आएगा वरना नहीं आएगा पुराने समय के अंदर क्या हुआ करता था जीके के लिए ध्यान देना एग्जाम में नहीं आएगा पॉइंट ये पहले पुराने समय के अंदर लोगों को बुलाया जाता था मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे सो मैन्युफैक्चरर जो ट्रेडिंग कर रहा है वो ट्रेडर जो सर्विस दे रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग नाम हुआ करते थे लेकिन अब अब सबको एक ही नाम दे दिया गया है जो दे रहा है वो सप्लायर और जो ले रहा है वो रेसिपिएंट मैं दे रहा हूं चाहे मैं सर्विस दूं तब भी मेरा नाम सप्लायर है मैं गुड्स दूं तब भी मेरा नाम सप्लायर है मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तब भी मेरा नाम सप्लायर है मैं मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा हूं तब भी मेरा नाम सप्लायर है मैं भी अन्ना तू भी अन्ना सब अन्ना है यहां पर आप चाहे गुड्स खरीद रहे हो तब भी आप रेसिपियंट बोले जाओगे आप सर्विस ले रहे हो तब भी रेसिपियंट बोले जाओगे पहले पुराने समय के अंदर जो गुड्स खरीदता था उसे बायर बुलाते थे बायर अब बायर वायर नहीं अब बस रेसिपियंट दो ही नाम छोड़े हैं सप्लायर और रेसिपियंट मालिक सप्लायर और रेसिपियंट पहले कास्केडिंग इफेक्ट आया करते थे कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना टैक्स ऑन टैक्स लग जाना एलाबोरेट <coughs> करने की जरूरत है नहीं मुझे पर फिर भी आप कहते हो तो बता देता हूं हालांकि एग्जाम के लिए तो जरूरत है नहीं बिल्कुल भी <coughs> पुराने समय के अंदर टैक्स ऑन टैक्स कैसे लगा करता था देखिए हमारी बात सुनिएगा पुराने समय के अंदर हो ये रहा था मालिक

अब इसके ऊपर चूंकि बेचा है आपने तो जैसे कर्म करोगे वैसे सजा मिलती चली जाएगी अब बेचा है आपने तो वैट भी लगता था मान लीजिए ये भी 10 से ही लग रहा है है ठीक अब मुझे इतना बता दीजिए दस परसेंट कौन सी फिगर पे एप्लीकेबल होना चाहिए ये आपका दस हजार पे लगना चाहिए या फिर आपका ग्यारह हजार पे लगना चाहिए लॉजिकली एथिकली सोशली पब्लिकली कैसे भी देख लीजिए बिंगो मेड एंगल है यह लगना चाहिए आपका टेन थाउजेंड पर क्योंकि जो एक हजार है ये तो मेरा पैसा है ही नहीं ये तो मेरी टर्नओवर का हिस्सा ही नहीं है मालिक मैं मेरे टर्नओवर में दिखाऊंगा ही नहीं इसको जब अकाउंट्स बनाऊंगा आपने वो तो उसका पैसा सरकारी पैस आता आप से लिया देना है आपसे लिया देना बात खत्म लेकिन सरकार कहते नई निकम में ये तो लगाएगा ऑन इलेवन थाउजेंड रुपीज हे भगवान हे प्रभु हे जगन्नाथम <laughs> ये क्या हुआ ये ग्यारह हजार के ऊपर यहां जीएसटी अपना लगा दिया जाएगा मुझे बताइए जब ये ग्यारह हजार के ऊपर लगेगा तो ग्यारह सौ रुपए आ जाएगा ये जो सौ रुपए पैदा जो हुआ है ये ये किसका बच्चा है कहां से निकला बे बे तू ये दरअसल क्या है अगर दस हजार पे लगता, इस पे लगता, तो एक हजार यहां निकल के आता लेकिन चूंकि ग्यारह हजार पे लगाया है तो ये यह, यहां पर जो छोटा बेबी आप देख रहे हैं क्या है दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स यानी इस वाले अमाउंट के ऊपर अगेन एक टैक्स सरकार ने यहां पर ठोक दिया है जगन्नाथ हे प्रभु ठीक है अब केसर जी तो इसे बोलते थे टैक्स ऑन टैक्स आहा हा हा टैक्स ऑन टैक्स इससे क्या फर्क पड़ रहा है इससे फर्क ये पड़ रहा है कि अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो कुट रहा है अल्टीमेट कंज्यूमर कुट रहा है मालिक उस केस जैसी यहां पर हो रही है राइट हां सर जी तो महंगाई बढ़ रही है भाई साहब और क्या कर सकते हैं हां महंगाई बढ़ रही है ओके ठीक है जी अब <coughs> उसके बाद पहले पुराने समय के अंदर डबल टैक्सेशन जैसे अब अब सर अब आता है क्या अब अब होता है सर ये कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स अब लगता है क्या नहीं लगता नाइन्टी नाइन नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट केस में कास्केडिंग अब नहीं आता ऐसा क्यों मतलब कोई स्कोप है लगने का हाँ है ना डेटॉल क्या पूरे कीटाणु मारता है एक इक्का दुक्का रह जाता है लाइफ बॉय साबुन क्या पूरे कीटाणु मारता है नहीं मारता रह जाता है लाइजॉल फर्श के सारे कीटाणु मारता है नहीं जब ये नहीं मार पाते इतने धुरंधर तो मेरा जीएसटी बड़ा सारे कीटाणु कैसे मार देगा एक इक्का दुक्का कीटाणु रह गया है दिखाऊंगा मैं आपको बट फिर भी 99.99% .99 सफाया कर दिया है जीएसटी ने कास्ट का अब आता है एक डबल टैक्सेशन ये क्या होता है डबल टैक्सेशन बाबू मेरे ये भी एक बड़ी भयंकर बीमारी का नाम है पुराने समय के अंदर क्या होता था देखो मेरी बात समझना एक होता है गुड्स एक होती है सर्विस अगर मुझे ये स्त्री और पुरुष में बांटने हो तो किसको स्त्री बोलूं किसको पुरुष बोलूं किसे मेल किसे फीमेल सर जी देखो ये गुड्स है ना आप इसे बुला सकते हैं यहां पर आकर मेल बुलाइए अच्छा और इसे इसे बुलाते हैं हम यहां पर आकर फीमेल आप देखना गुड्स का ट्रीटमेंट जीएसटी ट्रीटमेंट बड़ा आसान है ग्रॉसली है जैसे मैन को समझना बड़ा आसान है फीमेल को समझना थोड़ा मुश्किल है हाथ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भगवान ने, नेचर ने अलग अलग दोनों को कुछ स्पेशलिटीज दी हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कलर की बात करके चले तो इंसान के दिमाग में आदमी के दिमाग में चार पांच कलर होते हैं मोटे मोटे लाल हरा काला पीला नीला बाकी समझते नहीं है लेकिन महिलाओं के दिमाग में कलर की अगर बात करके चले तो लाल ही पता नहीं पचास तरह का लाल निकल आएगा यानी कि यह खूबसूरती है ये दिमाग की क्वालिटी है हमें नहीं लाल लाल का मतलब लाल होता है थोड़ा हल्का ला लिया गहरा ला लिया इस तरह कुछ नहीं होता है जी है ना ये वाली बात है तो या तो कोई चीज कोई पुरुष होगा या स्त्री होगी ठीक है अच्छा ऐसे ही या तो कोई चीज गुड्स होगी या फिर सर्विस होगी तीसरी चीज कोई नहीं होती आप बोलोगे नहीं सर थर्ड जेंडर होता है मैंने माना थर्ड जेंडर होता है लेकिन आप देखेंगे तो थर्ड जेंडर में या तो करेक्टरिस्टिक मेल के ज्यादा होंगे या फिर करेक्टरिस्टिक फीमेल के ज्यादा होंगे इक्वल नहीं हो सकते तो अगर मेल के ज्यादा है तो मैं मेल कैटेगरी में रखूंगा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है तो मैं फीमेल कैटेगरी में रखूंगा इसलिए या तो कोई चीज गुड्स होगी या सर्विस होगी ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है आप हमेशा यह वर्ड लिखा देखेंगे जीएसटी के अंदर कि गुड्स और सर्विस और बोथ यह बोथ का मतलब थर्ड जेंडर से ही होता है और हम थर्ड जेंडर को या तो यहां क्लासिफाई करते हैं या फिर यहां क्लासिफाई करके चलते हैं करेक्टरिस्टिक के मुताबिक या तो उसे गुड्स बोलेंगे या सर्विस बोलेंगे फाइनली मैं अपने शब्दों पर वापस लौटता हूं या तो मेल बुलाया जाएगा या फीमेल बुलाया जाएगा या तो गुड्स हो गया या सर्विस होगी बात खत्म थर्ड जेंडर को थर्ड में नहीं रखेंगे उसको भी सम्मान देंगे या तो गुड्स बोलेंगे या सर्विस बोलेंगे राइट right? अकई okay. अब यहां पर आकर होता क्या था पुराने समय की हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपने मान लीजिए गए रेस्टोरेंट पर जाते हैं होटल लिमेरियन पहुंच के भाई साहब आप वहां पहुंचने के बाद आपने नाश्ता ऑर्डर मार दिया और नाश्ता किया आपने वहां पर पांच हजार रुपये का तो वहां पर जाकर पुराने समय के अंदर क्या होता था कि आपने खाना खाया रेस्टोरेंट में जाकर ये जो खाना खाया खाना क्या था खाना गुड्स था या सर्विस था लिमेरिडन आपको खाना बेच रहा है खाना खिला रहा है खाना यानी मलाई कोफ्ता है नाश्ता है कुछ भी है वर्ड एवर दिखने में तो गुड्स है पर खिला रहा है वो सर्विस नजर आती है घपला सा घूमता दिमाग से चकराता है आप मुझे बताइए वो सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है वो कर क्या रहा है बे बताइए आप मुझे बताइए मुझे बताइए सर जी हम बताएं देखिए वहां पे आके ना वो जैसे अपने रेस्टोरेंट है तो उसकी जो वैल्यू है वो पांच हजार है तो क्या होता था कि पुराने समय के अंदर ये जो है ना आपने भगवान झूठ ना बुलाए पुराने समय के अंदर ये चीज बहुत चलती थी कि जो आपका ये आ, सर्विस टैक्स है ना बाबू ये जाता था टू सेंट्रल गवर्नमेंट को हाँ वही तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था और जो ये आपका इंटरस्टेट है सी एस टी ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता था hmm. जो वैट है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता था अच्छा और सेंट्रल ड्यूटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जाया करती थी तो कुछ टैक्सेस स्टेट को जाया करते थे और कुछ टैक्सेस अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जाया करते थे ठीक सर जी अब यहाँ पर आकर जब हम बात कर रहे हैं इधर आके मालिक ठहराव के साथ में तो यहां पता लग रहा है तो स्टेट वाले पता है क्या बोलते थे स्टेट वाले कहते थे कि भाई साहब गुड्स की बात चल रही है खाना खा रहे हो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी ए ये सप्लाई ऑफ सर्विस है वाह वाह तो इसके ऊपर गुड्स मानकर वैट भी लगाया जाता था इसके ऊपर गुड्स मानकर वैट चार्ज करते थे मान लीजिए दस परसेंट का अगर वैट है पांच सौ रुपए वैट के हो गए प्लस इसको सर्विस मानकर इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगाया जाता था मालिक मान लीजिए दो सौ रुपए का वो आपका लग गया है इस प्रकार से पांच हजार चार सौ हे प्रभु हे जगन्नाथम ये क्या हुआ यहां पर आकर एक ही व्यक्ति को एक ही समय में लड़का भी बोला और लड़की भी बोला मुझे बताइए कैसे कभी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को एक ही टाइम पर आप अब मैं कहूं एक टाइम के किसी भी टाइम पर बोल या तो लड़का होगा गया लड़की होगी दो तो हो ही नहीं सकते कभी भी नहीं हो सकते यार लेकिन पुराने समय में ऐसा हो रहा था लड़का लड़की ये हो रहा था क्या यह सही था नहीं यह गलत था अबे लड़का बोलो या लड़की बोलो दोनों नहीं बोल सकते आप इसे बोलते थे डबल टैक्सेशन हाँ। लेकिन आज की डेट में जीएसटी में आकर सरकार ने इस डबल टैक्सेशन पोजीशन को मालिक अरे हाँ, 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 जतिन तो यहां पर आकर डबल टैक्सेशन ये आ, हुआ करता था लेकिन अगर हम अब बात करके चलें तो सरकार ने अब इसका सोल्यूशन दे दिया है और इसको बोला है कि अब ये सर्विस की तरह कंसिडर की जाएगी इसे गुड्स कतई भी नहीं मानेंगे लेकिन पुराने समय के अंदर गुड्स मानकर भी उस पर जीएसटी लगाया जा रहा था ठीक है ओके सर जी तो ये सिस्टम था लेकिन सर क्या आज की डेट में आपका ये जो डबल टैक्सेशन है खत्म हो गया क्या हां खत्म हो गया है पर 99.99 नाइन पॉइंट परसेंट मतलब क्या मतलब क्या हां रह गया है डेटॉल हाँ, कौन से कीटाणु मारता है कोलगेट कौन से कीटाणु सारे मार देता है बे इक्का दुक्का फिर भी रह जाता है लेंस लगाने पर देखते हैं जब हम तो ऐसे मेरा जीएसटी है नाइनटी मार दिया कम है क्या बे ठीक है जी ओके जी लेवल आहा हा हा पुराने समय में तीन प्रकार के लेवल हुआ करते थे कैसे कैसे एक लेवल होता था इंट्रा स्टेट लेवल जब हम विद इन द स्टेट बात करते थे एक स्टेट से सेम स्टेट में काम चल रहा है तो उसे बोलते थे इंट्रा स्टेट यूपी से हरियाणा ए कबूतर यूपी से हरियाणा माल जा रहा है इसे बुलाते थे इंटर स्टेट हो और अगर तीसरा बॉर्डर पार कर दिया तो पहला व्यक्ति कोई स्टेट खेलता है फिर नेशनल खेलता है फिर इंटरनेशनल खेलता है तो अगला लेवल आता है इंटरनेशनल कंट्री बॉर्डर पार कर दिया है तो दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इंटरनेशनल लेकिन अब यहां पर आकर क्या है दो ही चीज रह गई मालिक एक इंट्रा स्टेट दूसरा इंटर स्टेट मतलब मतलब ये कि इंटरनेशनल जिसको बोलते थे उसको खत्म कर दिया है मतलब मतलब ये कि जो इंटर स्टेट शब्द है तो इंटर स्टेट का मतलब स्टेट तो है ही है इंटरनेशनल को भी इंटर स्टेट ही बुलाया गया है खाई को। वो इसलिए कि जीएसटी में इंटर स्टेट का और इंटरनेशनल का लगभग एक ही जैसा ट्रीटमेंट है क्योंकि वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती हैं तो दोनों के लिए एक ही नाम दे दिया है तो ऐसे इंटरनेशनल इंटरनेशनल करके बार बार हम नहीं बोलेंगे तो इंट्रा और इंटर तो इंटरनेशनल आल्सो बी इंक्लूडेड इन इंटर स्टेट ऐसे करके यहां पर मालिक बात हो जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे अब आजा भूरा आगे चलते हैं सर जी आगे क्या है आगे तो मजा आए असल मजा तो अभी आएगा हमने यहां तक ये यह देख लिया मालिक हमने यहां तक आते आते ये देख लिया है कि भाई जो जी है वो कैसे कैसे क्या, क्या क्या काम कर रहा है हमने ये भी देखा कि मैन्युफैक्चर करते सेंट्रल एक्साइड ड्यूटी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है ये भी हम देख चुके हैं सेल ऑफ गुड्स होता है इसकी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है ये भी देख लिया हमने और ये भी देख लिया ठीक

फीचर्स हैं आपके अंदर लेकिन जरा चेहरा तो दिखाइए अपना आप दिखती कैसी हैं वो कह रहे हैं कि रुको जरा ठहरो अभी बताते हैं हमने कहा व्हाट इज जीएसटी आखिर तुम है क्या चीज भाई उसने कहा कि हम गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगने वाले एक टैक्स हैं अच्छा अच्छा यानी कि जीएसटी लगने के लिए एक गुड्स या सर्विस का होना अति आवश्यक है हमने कहा ये लो गुड्स अब बताओ क्या इसको देखते जीएसटी लग जाएगा अब लग नहीं जाएगा गुड्स अगर ये गुड्स है तो गुड्स या सर्विसेज के बीच में कोई ना कोई एक हरकत होनी चाहिए एक हलचल होनी चाहिए एक जलजला होना चाहिए सिर्फ गुड्स के आ जाने मात्र से जीएसटी ना लगेगा जैसे मान लीजिए इसको हम किराए पर देते हैं इसको हम बेच देते हैं इसके साथ कोई और ट्रांजेक्शन करते हैं है ना तो कुछ ना कुछ हरकत एक हलचल इसके अंदर होनी चाहिए तभी जीएसटी की बात हो सकती है इसी हरकत या हलचल को हम लोग बुला देते हैं सप्लाई सप्लाई और सप्लाई के नाम से उसको जानकर चलते हैं तो गुड्स या सर्विसेज की जब सप्लाई की जाती है तो ही जीएसटी का जन्म होगा वरना जीएसटी कतई भी निकलकर नहीं आएगा ठीक है जी सप्लाई हो गई तो जीएसटी अपना आ जाएगा और जब अपना जीएसटी आ ही जाता है तो हम इससे यह पूछते हैं जरा नाम तो बताओ जीएसटी तुम्हारे नाम क्या है उन्होंने कहा मेरे कई सारे नाम हैं और वो नाम डिपेंड करेगा कि सप्लाई का नेचर क्या रहा है कैसी थी सप्लाई सप्लाई जो हुई वो स्टेट थी या इंटर स्टेट थी क्या कोई बॉर्डर क्रॉस किया था बॉर्डर क्रॉस तो उसने किया था किसने किया था लप्पू से सचिन है बोलना या पे आवे ना बोले यू है ना झिंगुर से लड़का उसने किया है। सीमा हैदर ने हाँ, हाँ अगर ये बताइए जो सप्लाई है सप्लाई का नेचर क्या है बे इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है अगर इंट्रा स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगता है सर जी अगर स्टेट है तो यहां पे जीएसटी में सी जीएसटी लगता है और जीएसटी में यहां पर एस जीएसटी अपना लगा दिया जाता है वेरी गुड और सर जी अगर ये इंटरस्टेट हुआ तो, तो तो सर जी इस पर आई जीएसटी लगता है पर देखते हैं करके रुको जरा तो हमने यहां पर यह देखा कि नेचर ऑफ सप्लाई अगर बीच में कोई बॉर्डर नहीं आता है तो इंटरा स्टेट होती है और अगर कोई बॉर्डर बीच में आता है इसे मान लीजिए यहां से ये ऑरिजन है और यहां पर इसका डेस्टिनेशन है और बीच में कोई किसी प्रकार का बॉर्डर अगर आता है तो उसे इंटर स्टेट बुला देते हैं ये बॉर्डर दो स्टेट के बीच का हो सकता है जैसे पंजाब हरियाणा ये बॉर्डर दो यूनियन टेरिटरी के बीच का हो सकता है बॉर्डर एक साइड में स्टेट है एक साइड में यूनियन टेरिटरी उनके बीच का हो सकता है है ना हां बोलो पहले हां सर यह बॉर्डर एक कंट्री country, दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर अपना हो सकता है बॉर्डर बॉर्डर और बॉर्डर बॉर्डर बीच में आया तो इंटर स्टेट नहीं तो इंटर स्टेट बोल दिया जाएगा एक बात समझ लें पहले यहां पे आके पुराने समय के अंदर क्या हो रहा था एक्सक्लूसिविलिटी बनी हुई थी सेंट्रल एक्साइज पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सर्विस टैक्स पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा वैट पूरा पैसा स्टेट को जाएगा सी पूरा पैसा स्टेट को जाएगा आज गाड़ी तरफ हाई चला आएगा मतलब ऐसे हो रखा था एक्सक्लूसिविलिटी थी लेकिन अब अब क्या हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर आकर यहां सेंट्रल गवर्नमेंट थी सामने स्टेट गवर्नमेंट बैठी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला गया तुम तो अपने अपने जो टैक्सेस हैं उनको छोड़ दीजिए तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्स छोड़े उन्होंने कहा ओम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी स्वाहा ओम। अबे, अबे निकल। कमला पसंद ओम <laughs> ओम कमला पसंद सर्विस टैक्सम स्वाहा वो डाल दिया यहां पे लाके हम्म इधर से स्टेट गवर्नमेंट ने उ, उसने अपने हिस्से के टैक्सेस डाले ओम उम, 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 उम स्वेट स्वाहा हम स्वाहा स्टेट ने सेंट्रल ने अपने अपने टैक्सेस इसके अंदर डाल दिए दोनों ने छोड़ दिए अपने अपने फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला गया और पानी डालने के बाद में डालने <laughs> के बाद में ढंग से इसको हिलाया गया मूव कराया गया मिक्सी में से ग्राइंड किया गया और ग्राइंड करने के बाद में हाँ अभी ठीक से बन गए मिक्सअप हो गए हैं अब एक चम्मच है कोई चम्मच तो नहीं कोई बात नहीं है तो हम ऐसे निकाल लेते हैं पानी अब यहाँ से जो बढ़िया सा पेस्ट निकला है इस पेस्ट को कौन पिएगा अभी आधा सेंट्रल गवर्नमेंट पी जाएगी बाकी आधा कौन पिएगा अभी आप <laughs> बाकी आधा स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर दे दिया जाएगा यदा यदा ही धर्म से अग्रानी भवत बाहर जब जब जीएसटी यही है जीएसटी आपका मिक्सचर जो निकल के आए इसका नाम दिएगा जीएसटी है जब जब जीएसटी आएगा हम कसम खाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए चाहे मैं मर जाऊं जब जब जीएसटी लगाया जाएगा तब तब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा बाकी आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा शायद आप जानते होंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर तीन लेवल पे सरकार काम करती है एक सेंट्रल लेवल हो गया स्टेट लेवल हो गया और एक अपनी लोकल अथॉरिटी यहां पर हो जाती है म्यूनिसपैलिटी से बोल देते हैं क्या इस जीएसटी नाम के प्रसाद में से म्यूनिसिपलिटी यानी लोकल अथॉरिटीज को कुछ भी शेयर मिलेगा ऐसी की तैसी मिलेगी अबे जब ये बनाया जा रहा था तो इसमें इस हवन कुंड में किन किन का कंट्रीब्यूशन था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस की आहुति दी थी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस की आहुति यहां पर लगाई थी उस समय यह निकमी लोकल अथॉरिटी कतई भी नहीं आई थी हवन में शामिल होने तक नहीं आई थी इसलिए जब भी ये प्रसाद निकलेगा जीएसटी के नाम का तो इसमें से लोकल अथॉरिटी को झुंझुना भी मिलने वाला नहीं है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे हाँ जी सर नॉम प्रॉब्लम ना ही करने का हम है ना हाँ अच्छा जी बच्चा कह रहा है सर आई रिक्वेस्ट टू टू प्लीज टेक फ्री फास्ट ट्रैक आई रिक्वेस्ट टू प्लीज पेड फॉर फास्ट ट्रैक फ्री चीजों की वर्थ नहीं होती यार आगे आगे बढ़ते हैं हाँ। तो यहां पर आकर हमें यह सीखने को मिलता है एक और मजे की बात आपसे करते हैं जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे लगाता हूं और वैल्यू आती भगवान न एक हजार की वैल्यू है ऐसे करके बोलता है तेरी कह के लूंगा ऐसे करके बोलता है ठीक है मतलब ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं मैं पहले ही बता दूंगा कि आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं और आप उसका जवाब गलत देंगे गलत पहला सवाल पूछूंगा आप सही जवाब देंगे दूसरा क्वेश्चन इधर साइड में पूछूंगा आप गलत जवाब देंगे ये अनुभव है अनुभव हमारा अब देख तुम्हारा तुम सही बैठते हो कि हम सही बैठते हैं चलिए यहां पर मान लेते अठारह परसेंट का जीएसटी का रेट है इंट्रा ट्रांजेक्शन है यूपी से यूपी में हो रही है तो भाई नौ परसेंट ये आ गया नौ परसेंट अपना ये आ गया तो बाबू मेरे नब्बे रुपये हो गया नब्बे रुपये हो गया ग्यारह सौ अस्सी की यहां पर बात हो जाती है ठीक ठीक है हाँ सर है सर एकदम अब मैं कहूं कि यूपी से हरियाणा के लिए ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो बताइए जीएसटी कौन सा वाला लगाया जाएगा जवाब दे जरा आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई जीएसटी किस नाम से लगाया जाएगा और कितने रुपए का लगेगा हम्म 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 जब मैं धुन बजनी शुरू हो जाए मेरे मुंह से तो मान के चलना आप लोग कि आप गलती करने वाले हो मैं कह के पहले से बता रहा हूं सर हुँँँँँँँँँँँ। हुँँँँँँँँँँँ। हुँँँँँँँँँँ। जी हम बताएं हां बता, बता तुमसे पूछ रहा हूं कि वैल्यू आगे मान लीजिए सौ रुपए की तो क्या लगेगा और किस नाम से लगेगा सर जी आईजीएस लगेगा शाबाश बच्चे तो यहां बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं आईजीएसट लगेगा सर जी और हम बिल्कुल सही हैं आप गलत हो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसी करके हो रही है तो इसमें लगाया जाएगा आपका कुछ ऐसे करके भाई जैसे मान लीजिए वैल्यू अगर मैं एक हजार की वही वाली हजार रुपए की अगर वैल्यू बनती है भैया जी तो एक आएगा इसमें आपका मैंने कहा था ना कि जब भी आएगा सी आएगा कितने रुपए का भी वो आएगा नब्बे रुपए का और एक आएगा इसमें एस आएगा वो भी नब्बे रुपए का ही आएगा इस प्रकार से ग्यारह सौ की बात होगी अब आईजीएसटी क्या है वो तो मैं जानता ही नहीं अब अभी देखा नहीं जीएसटी के दो ही तो रूप हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है एक स्टेट गवर्नमेंट को जाता है बात खत्म अब ये आईजीएसटी नाम भी कौन सी बला आ गई भाई अभी क्यों आई जी में दो ही तो एक है एक सीजीएसटी जी एस बात खत्म hmm. ये जो सी जी है ये कौन से स्टेट को जाएगा बताएंगे आप कौन सा वाला है ये यूपी का एस जी एस टी है या हरियाणा का है अब देखो ना हाँ सर जी हमें याद है हम हम पीछे पढ़ के आए डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पढ़ के आए थे जी तो यूपी से अगर हरियाणा के लिए सप्लाई हो रही है तो ये पैसा हरियाणा वाले बंदे की जेब से निकला हुआ है सर इसलिए ये पैसा सर जी जो आधा जाएगा ना एस वाला सर ये पैसा ना हरियाणा सरकार को मिलना चाहिए तभी तो तभी तो, तभी तो तभी तो उसे लगेगा कि हाँ मैंने टैक्स का पैसा दिया तो पैसा गटर में नहीं गया बल्कि बारिश बनकर मेरे ऊपर रे रे मेघा मेघा बरसो में लगेगा ना डेवलपमेंट की बारिश उसके ऊपर हो रही है यहां पर आके कि नहीं जी हाँ वही तो तो हरियाणा को मिलना चाहिए तो ये इसको नाम दिया गया दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट हरियाणा जीएसटी है ये स्टेट का नाम लिख दिया हरियाणा जीएसटी है परंतु बच्चा मेरे प्रॉब्लम क्या आ गई प्रॉब्लम ये निकल के आई यहां पर आके <coughs> प्रॉब्लम बुरा ये निकल के आ गई इधर कि भाई ये है तो यूपी में बंदा सप्लाई कर रहा है और ये हरियाणा को सप्लाई करी जा रही है है ना लेकिन अब सवाल उठता ये है भाई मेरे कि हरियाणा गवर्नमेंट तो ये रही है ना और यहाँ होती है यूपी गवर्नमेंट इसके ऊपर मौत सर पे नाच रही है कालिया और भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो सबका मालिक एक है वो तो सबके बीच में होती होती है हो, तो सेंट्रल चंदा की तरह होती है है अब बंदा जो मिस्टर एक्स कलेक्ट उसने तो किया होगा ना पैसा तो उसके पास में आया है ना अठारह रुपए जिसके पास में है अब चक्कर क्या है इस बंदे का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कहाँ होगा रजिस्ट्रेशन होगा सर जहां इसका कारोबार है उत्तर प्रदेश में होगा जब उत्तर प्रदेश में उसका कारोबार है तो आप मुझे बताइए क्या ये यहाँ से हरियाणा जाकर ये पैसे जमा करा के आ सकता है नब्बे रुपए या नहीं सर करा के तो आ सकता है लेकिन क्या हरियाणा वाला ये नहीं पूछेगा तो बे तो तू कौन बे क्या मैं खामो खा अब बता से कहां से आया क्यों क्या, क्या कैसे एक रजिस्ट्रेशन इसे यहां पर भी लेना पड़ जाएगा नंबर पे जमा करा देगा नो डाउट लेकिन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा जब बात रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अच्छा कल को अगर मान लीजिए यूपी वाले बंदे ने अगर वेस्ट बंगाल के लिए कर दी सप्लाई तो अच्छा फिर वेस्ट बंगाल सरकार को देके आना पड़ेगा ओहो वेस्ट बंगाल में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर उस बंदे ने राजस्थान को सप्लाई कर दी फिर राजस्थान में टैक्स जमा करा के आएगा ओहो राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आप समझ रहे हैं क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जहां जहां को मैं सप्लाई कर रहा हूं जहां जहां के कस्टमर को वहां वहां जाके रजिस्ट्रेशन लेके मैं टैक्स जमा करूं कराने को करा सकते पर फीजिबल नहीं है ठीक नहीं मजा नहीं आया तो ये तो भैया पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके स्टेट में जाके मैं टैक्स जमाऊं कोई और उपाय बताइए और उपाय क्या हो सकता है लेकिन हमने अपना टारगेट तो सेट कर दिया है हमने अपना जो टारगेट है वो तो सेट कर ही दिया है हाँ कि जो पैसा है वो तो जाएगा हरियाणा सरकार के पास में लेकिन अब ऑप्शन बताओ ऑप्शन कैसे जाएगा सर देखो सीजीएसटी का तो हम यहां दे आएंगे अरे मेरे बच्चा मैं ये नहीं कह रहा कि सी जी एस टी का तुम यहां होगे। यहां देस टी मुझे पता है मैं पूछ रहा हूं हरियाणा जीएसटी कैसे दे के आओगे तो एक काम करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ा देते हैं कि भैया तुम ही दे देना किसी भी दूसरे स्टेट का अगर पैसा बनता हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ा दो तो उन्होंने क्या किया कि लो भैया इसमें हरियाणा जीएसटी और डाल दिया और दोनों को इन्होंने बांध दिया गिर ना जाए कहीं कैसे बांधा इन्होंने ऐसे बांधा कि ऐसे बांधा भगवान झूठ ना बुलाए कैसे बांधा हाँ ये मान लीजिए है आपका यहाँ पर आकर ये सी जी एस टी है और ये आपका हरियाणा जी एस टी है तो एक लिफाफा लिया और लिफाफा लेकर उसमें इसको डाला इसको भी डाला दोनों को डाला डालकर इसको ठीक से बांध दिया इसको डाला और डालकर इसको ठीक से इसमें गांठ लगा दी बांध दिया अच्छा अब इसका नाम पड़ा गया बंधा हुआ जीएसटी एस ठीक थी। से गांठ मार दी इसमें ऐसे करके इस पर लिख दूँ बंधा हुआ जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी और हमने इसे दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कैच में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैच कर लिया जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिफाफा खोला लिफाफा खोल के इसमें से इन्होंने निकाला आजा जा भाई आ इन्होंने निकाला सीजीएसटी अरे मेरे बच्चे सीजीएसटी अरे ले 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 सीजीएसटी फंड में इसको डाल दिया निकल बे लिफाफे में से हमने इसको भी निकाला हां मुंह चमकारिया बाहर निकल ये निकाल लिया अरे ये तो हरियाणा जीएसटी है हरियाणा गवर्नमेंट कैच में भी कैच उसको दे दी ये क्या लिफाफा इसे डालो डस्टबिन में तो जिसे आप आईजीएसटी को टैक्स कह रहे थे वो आईजीएसटी को टैक्स नहीं है वो जस्ट एक इनवेलप है वो एक लिफाफा है जो डस्टबिन में चला जाता है प्रैक्टिकली एथिकली सोशली आपके सिर्फ दो ही टैक्स हैं एक सीजीएसटी दूसरा एस आगे बात समझ में आईजीएसटी इज नॉट आर टैक्स इज द नेम ऑफ इनवेलप ये सिर्फ एक इनवेलप का नेम है मालिक ठीक है तो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड योर आई जी एस टी जब इसको बांध देते तो ये आई जी एस टी बन जाता है तो इसमें से ये अपना जो सी जी एस टी वाला पोर्शन है अपने पास में रखेंगे और हरियाणा जीएसटी वाला पोर्शन इनको दे देंगे तो मैंने लिखा है ये जो आई जी एस टी है ये क्या है इट इज अ सम टोटल ऑफ सी जी एस टी प्लस हरियाणा जी एस टी तो हरियाणा जी एस टी तक पहुंचाने में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए बांधकर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे आगे मालिक पहुंचा दिया यस yes, सर सर यही बोला था अरे मेरा बच्चा प्रीत कुमार मेरा कबूतर मेरा लाल नुहा चलो जी आगे बढ़ते हैं ये थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आप इसे पढ़कर देखिए क्या लिखा है बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई वेयर ऑरिजिन एंड और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई फॉल्स अंडर टू डिफरेंट स्टेट यूटीज अच्छा दो अलग अलग में फॉल करता है तो उसे इंटर स्टेट बुला देते हैं आई की बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है सी जी एस टी पोशन सी जी एस टी पोर्शन को सी जी एस टी फंड में ट्रांसफर कर देती सरकार सरकार के पास ना अलग अलग तिजोरियाँ बनी हुई हैं सी जी एस टी फंड के लिए अलग आई जी एस टी फंड के लिए अलग एस जी एस टी फंड की अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास तिजोरियाँ हैं तो यहाँ डाल देंगे एंड बैलेंस पोर्शन ऑफ एस जी एस टी विल बी ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमिंग स्टेट या डेस्टिनेशन स्टेट यानी कि जो हरियाणा स्टेट थी वो कंज्यूमिंग स्टेट थी उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ये था इंटर स्टेट का और इंट्रा में क्या है कि जहां पर कोई बॉर्डर बीच में ना आए तो सीजीएसटी एडजस्टी प्यार से वहां पर लगा दी जाते हैं यहां पर करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस सीजीएसटी की और एसजीएसटी की मालिक ठीक यस सर लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए प्रभु हे जगन्नाथ कि आपके कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं एक बार यह ठीक से पकड़ लोगे तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको पता है आपके पास कितने स्टेट बने हुए बचे हुए हैं देखिए सर इनिशियली अगर हम बात को पकड़ के चलें तो हमारे पास में ना 29 हमारे पास में 29 स्टेट हुआ करते थे और बचपन से पढ़ते आए कि हमारे पास में 7 यानी कि सात यूनियन टेरिटरीज हैं अब यहां सीएम आके पता लगा बेटा जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं एक होती है वो जिसका मतलब यूनिटरी प्योर वाली होती है और एक मिक्स वाली होती है अबे यूटी की बात कर रहा हूं जो मिक्स वाली होती उसका मतलब क्या मिक्स वाली उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक स्टेट के होते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक उसमें यूटी के होते हैं जैसे दिल्ली हो गई दिल्ली में दिल्ली पुलिस मोदी जी के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है लेकिन एजुकेशन लेकिन एजुकेशन वो किसके पास में है? हेल्थ वो किसके पास में है वो जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के केजरीवाल साहब उनके पास में है बटा हुआ है मिक्स यूटी है लेकिन प्योरिटी में पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही होती है तो अगर अंग्रेजी नाम दिया जाए मिक्स यूटी को बुलाते हैं यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर जिसका अपना सीएम होता है अपनी असेंबली होती है अपना बहुत कुछ होता है और एक होती है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर जिसकी कोई असेंबली नहीं होती जिसका अपना कोई सीएम नहीं होता है वो पूरी तरह से नियंत्रित होती है कंट्रोल्ड होती है बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक यस yes, सर तो पहले दो हुआ करती थी सात में से दो आपकी इधर आ गई और पांच आपकी प्योर यूटीज हुआ करती थी दिल्ली और पौंडचेरी एक कैटेगरी की आती थी ठीक उसके बाद में दो घटनाएं घटित हुई एक मर्जर हुआ और एक डी मर्जर हुआ डी मर्जर हुआ आपके जम्मू कश्मीर का कैसे करके भला ये रहा मालिक यहां पर जम्मू कश्मीर आप ध्यान से देख सकते हैं आके और तो ये पूरा जम्मू कश्मीर है सर जी और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया कि लद्दाख वाला एरिया अलग किया गया और रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखा गया दो अलग अलग कलर से मैंने आपको यहां पर ये यह दिखा रखा है <coughs> पहले आपका ये स्टेट हुआ करता था लेकिन अब आर्टिकल नंबर 370 हटने के बाद इसको दर्जा दे दिया गया यूनियन टेरिटरी का यूनियन टेरिटरी में कौन सी वाली मिक्स वाली या फिर प्योर वाली ये लद्दाख वाला जो एरिया है इसको दिया गया प्योर यूटी का नाम दिया गया और ये जो आपको रेस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर येलो एरिया दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया गया मिक्स यूटी का यानी कि इस एरिया के लिए अपना सीएम बनेगा तय किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी कुछ पावर्स रहेंगी कुछ स्टेट के पास में पावर रहेंगे ठीक यानी जो ये वाला जो एरिया इसके पास में पावर रहेंगे ये प्योर यूटी है हम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं जी ऐसा होने से कहां कहां पर असर पड़ा पहले से स्टेट बुलाया करते थे लेकिन अब स्टेट से अब बुलाया गया यूटी तो क्या स्टेट की संख्या एक कम हो जाएगी यस सर तो यहां पर जहां हमने लिखे हुए थे अपने ट्वेंटी नाइन स्टेट अब यहां से एक स्टेट कम हो जाने की वजह से अब रह जाएंगे आपके ये 28 करके जहां तक सवाल है यूनियन टेरिटरीज का तो आपके एक मिक्स यूटी बढ़ जाएगी जम्मू कश्मीर के नाम से और एक आपकी प्योर यूटी बढ़ जाएगी लद्दाख के नाम से तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी तीन हो गई हैं यहां पर आकर आ, मिक्स यूटीज और आपकी पांच और एक छह हो जाती है आपकी प्योर यूटीज़ उसके बाद एक और घटना घटित हुई उसको नाम दिया गया यहां पर आकर मर्जर का देखिए जरा गौर से देखिएगा यहां पर आपको पास पास दो यूनियन टेरिटरी नजर आती हैं दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली पहले ये दोनों अलग अलग थी अब क्या है कि छोटी छोटी पास पास अपनी होती थी तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था सरकार ने इन दोनों को मर्ज कर दिया और एक सिंगल यूटी के अंदर इनको तब्दील कर दिया नाम दिया गया दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली दोनों के नाम को जोड़कर एक सिंगल नाम बना दिया गया तो ऐसा करने से जो आपकी प्योर यूटीज थी उनमें से एक संख्या कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मर्जर तो एक प्योर यूटी कम हो गई तो फाइनली आपके पास में पांच यूनियन टेरिटरी यहां पर आ जाती है, मिक्स आपकी तीन है और आपके प्योर स्टेट ट्वेंटी एट आ जाते हैं अब सवाल यह उठता है कि ठीक है इट्स यूटी ओके क्लियर कट ओके इट्स स्टेट ओके लड़का है यह लड़की है इसको क्या बोलोगे भाई इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है इसमें स्टेट इस का कैरेक्टरिस्टिक भी आता है इसमें यूटी का भी कैरेक्टरिस्टिक आता है इसका हम क्या करके चले स्टेट बुलाएं या यूटी बुलाएं या अक् बोल बोलकर जो सामने आए उसे बोलते देखिए मैं आपको बताता हूं दरअसल इसको माना गया है यहां पर आकर डीम्ड स्टेट कहा गया है क्यों कहा गया है इसके पीछे भी एक कारण है कारण यह है समझिए जरा बात को हमारे को अगर ऐसा होता ट्रांजेक्शन दिल्ली से दिल्ली में करी जा रही है जो कि एक मिक्स यूटी है यहां पर ये वैल्यू निकल के आती मालिक सपोज करो एक हजार रुपए की इसके ऊपर सीजीएसटी अपना लग जाता नौ परसेंट से नब्बे रुपए का अगर इसको हम यूनियन टेरिटरी मानते हैं यूटी की तरह ही ट्रीट करके चलते हैं फाइनली भाई मिक्स यूटी है अब या तो मैं से स्टेट और यूटी की करेक्टरिस्टिक है या तो फाइनली यूटी बुलाऊंगा या फाइनली मैं स्टेट बुलाऊंगा अगर मैं से यूटी कॉल करता हूं तो क्या होगा तो यहां पे लग जाएगा यूटी जीएसटी फंड जीएसटी अपना लग जाएगा जो नब्बे रुपए आ जाएगा और ऐसे करके ये ग्यारह अस्सी की बात हो जाएगी अब ये जो आपका है नब्बे रुपये ये सी फंड में आपका चला जाता है ये पैसा चला जाएगा आपका यूटी जीएसटी फंड के अंदर मालिक चला जाएगा यूटी जीएसटी फंड को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करके चलती है इसको भी सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलती है यानी कि सरकार की ही, की ही ही दो अलग अलग में पैसा चला जाएगा तो यहां पर दिल्ली सरकार ने कहा कि साहब यानी कि पैसा भी आपके पास में और पावर भी आपके पास दिल्ली पुलिस ऑलरेडी आपके पास में है लेकिन अब तो पैसा भी आप ले जाओगे तो क्या सीएम हम झक मारने के लिए बने एसते सीएम बने हुए हैं यहां पे तो कहा गया कि नहीं ये नहीं चलेगा तुम सब मिले हुए हो दिल्ली दिल्ली है अगर दिल्ली से दिल्ली में ट्रांजैक्शन कराई जाती है तो यहां पर वैल्यू निकल के आती है बाबू रे एक हजार रुपए की इस पर सीजीएसटी की जब हम बात करके चलते हैं मालिक वो अपना नब्बे रुपए आ जाएगा और अगर मैं इसको एक स्टेट की तरह ट्रीट करके चलता हूं तो क्या होगा यूटी की तरह ट्रीट किया तो यह मेला स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं तो यहां पर आकर यह डेहली जीएसटी इस पर लगा दिया जाएगा नब्बे रुपए का यह आ जाएगा ग्यारह की बात यहां पर हो जाएगी अब जो पैसा 90 रुपीज ये सीजीएसटी फंड के अंदर अपना चला जाएगा और ये जो पैसा अब ये दिल्ली जीएसटी फंड में जाएगा जिसके ऊपर की दिल्ली सरकार यानी कि सीएम साहब का कंट्रोल है क्या ये ठीक है ऐसा ही होना चाहिए तो चूंकि उसका अपना सीएम होता है उस यूटी का जो मिक्स यूटी है इसलिए सीएम के हाथ में पैसा भी नहीं है तो भाई और क्या करेगा सीएम तो इसलिए यहां पर बोला गया कि हम इसको इधर आकर ना डीम्ड स्टेट मानकर चलेंगे मानते तो अच्छी बात लेकिन मानना पड़ेगा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएसटी इट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड स्टेट तो इसका मतलब यह हो गया कि आज मेरे पास में कुल मिलाकर स्टेट की संख्या कितनी है भाई सर जी हमारे पास 28 नेचुरल स्टेट हैं। बताते है बताते हैं आपके पास में 28 नेचुरल स्टेट है हमारे पास तीन हथ हैं <coughs> तो कुल मिलाकर 28 और तीन नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को मिलाकर इकतीस थर्टी वन हमारे पास स्टेट हो जाते हैं और हमारे पास में आज पांच यूनियन टेरिटरी हैं ऐसे करके ठीक है तो पांच फुलझड़ियां हैं ये। अब हम जानते हैं कि देखिए सीजीएसटी लगता है उसके लिए एक फंड बना हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में है जो एस लगेगा उसके फंड उसकी तिजोरियां हर सरकार के पास अपनी अलग अलग है मैं पूछना चाहता हूं इन पांच यूटी के लिए एक ही तिजोरी बनी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या फिर यूटी जी टी फंड सबके अलग अलग बने हुए हैं जैसे दिल्ली एक लाइक चंडीगढ़ एक यूनियन टेरेटरी है अंडमान निकोबार हो गया अपना है ना तो पांचों यूनियन टेरेटरी के अलग अलग यूटी जी फंड हैं या सबका एक ही है अरे सबको कंट्रोल करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही है तो इनके लिए इन पांचों के लिए फॉर ऑल सिंगल आपका यूटी जी ही लगाया जाता है नाम वही आएगा यूटी जी

तो मैं यहां से अपनी कथा को स्टार्ट कर रहा हूं मालिक और जवाब दीजिएगा देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस का सही जवाब यहां पर दे पाते हैं ऐसे करके क्या बोला रहे तो आ, यहां पे महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में मूवमेंट हो रहा है फटाफट बताइए इंटर है कि इंटर है जी देखो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र कोई बॉर्डर पास नहीं हुआ ये ट्रांजैक्शन आपकी इंटरेस्ट बोली जाएगी जिसमें सीजीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी लगेगा जीएसटी सी फंड में चला जाएगा महाराष्ट्र महाराष्ट्र जीएसटी फंड के अंदर अपना चला जाएगा महाराष्ट्र से यूपी की बात कर रहे हैं सर ट्रांजेक्शन आपके इंटरेस्ट रेट बीच में बॉर्डर आ जाता है आई लगाया जाएगा और आई कोई है नहीं आईजीएसटी तो खोल है एक कवर है एक खोखला है एक लिफाफा है अंदर क्या भरा भराबे मसाला अंदर जो मसाला है उसमें सीजीएसटी आधा सीजीएसटी को चला जाएगा और बाकी आधा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यूपी सरकार को यूपी जीएसटी दे दिया जाएगा ओके चेक करना है आप कितने सही जवाब दे पाते हो फटाफट से अलर्ट होके बैठिएगा मालिक है ना आगे चलते हैं यूपी से दमन बीच में बॉर्डर आया के रा भाई बीच में बॉर्डर आया क्या आया रे बॉर्डर आया बॉर्डर आया है क्या लगेगा आईजीएसटी हाँ। किसको जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा मोदी जी को जाएगा बंटवारे होंगे हा फिफ्टी परसेंट आईजीएसटी ऐसे फूटतायु करके आई फंड पैसा रुकता ही नहीं है यू निकलेगा पैसा आधा निकल के सी फंड में चला जाएगा और आधा पैसा निकल के चला जाएगा आपका इस वाले केस में कहा जाएगा भाई सर इस वाले केस में जाएगा वो दमन यूटी जीएसटी ना डेस्टिनेशन में यूटी जीएसटी है तो अपना यूटी जीएसटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा दमन से चंडीगढ़ दो अलग अलग यूटी यहां पर हो जाती है क्या यहां पर भी बीच में एक बॉर्डर आता है ओ यस 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 बॉर्डर आता है बॉर्डर आते बस आई जीएसटी बन जाएगा आई जी एस टी बनती फिफ्टी परसेंट कहा जाएगा बे फिफ्टी परसेंट चला जाएगा आपके ऐसे निकलेगा उफान मार्क निकलेगा यूटी जी फंड से सर जी आधा जाएगा सीजीएसटी फंड में और बाकी आधा जाएगा कहां कहा यूटीजीएसटी फंड में चला जाएगा अच्छा चंडीगढ़ से दिल्ली भाई साहब चंडीगढ़ से दिल्ली रे सीधे बैठा बैठे कमर सिद्धि चंडीगढ़ से दिल्ली रे सर बॉर्डर बीच में आया ओ यस 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 आई जीएसटी लगेगा ओ यस 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 लगेगा आधा पैसा आई जीएसटी फंड में पैसा जाएगा सबसे पहले लेकिन वहां से निकलेगा कहां पे भी आधा जाएगा सीजीएसटी फंड में बाकी आधा कहां जाएगा बाकी आधा डेस्टिनेशन पे कौन है दिल्ली जीएसटी फंड में चला जाएगा दिल्ली से दिल्ली मेहरबान साहिबान ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट सी जीएसटी और दिल्ली जीएसटी अपना लगाया जाएगा सीजीएसटी सी फंड में जाएगा दिल्ली जीएसटी दिल्ली जीएसटी फंड में चला जाएगा साहब बात सभी बच्चे जोश में है क्या बात है बहुत ही शानदार मामला चल रहा है <coughs> जी साहब दिल्ली से अंडमान चलो रे क्या बॉर्डर बीच में आया रे आया आई लगेगा लगेगा बंटवारा कैसे होगा सीजीएसटी फंड में आधा और बाकी आधा आपका यूटी जीएसटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा अनुमान एक यूटी है अन्दमान से अनुमान हो गया रे तो भाई ट्रांजेक्शन आपकी इंटरेस्ट रेट है रे ठीक है क्या लगेगा सीजीएसटी लगेगा और साथ में यूटी जीएसटी लगाया जाएगा रे सीजीएसटी कहां जाएगा रे सेंट्रल uh, गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी फंड में जाएगा और जो यूटी जीएसटी फंड है वो भी यूटी जीएसटी फंड में चला जाएगा जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही होता है अरे अंडमान से, से रे। रे सावधान अरे बिरजू अरे हरिया सावधान अंडमान अंडमान से सर जी यूएस से जा रहा इस बार तेरा डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर हो गया तुझे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की कसम क्या जीएसटी आएगा नो 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 ना 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 नहीं आएगा बे नहीं आएगा नहीं आएगा क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है अभी टैक्स लगाएंगे तो अमेरिका वाले लगाएंगे हम ना लगाएंगे यहां पर हम ना लगाएंगे यहां पर आके हम ना लगाएंगे पर सर ट्रांजेक्शन क्या थी ट्रांजेक्शन इंटरेस्टेट थी मैंने माना मैंने माना कि आई जी एस टी दिख जाएगा लेकिन मार दिया जाए कि छोड़ मार दिया जाएगा क्योंकि ये इंडियन टैक्स का इस पर नहीं आएगा बिकॉज़ बिकॉजन इंडिया के बाहर है <coughs> सर फास्ट ट्रैक लू एक अटेम्प्ट है मेरा सर फास्ट ट्रैक लू एक अटेम्प्ट है मेरा फास्ट मतलब हाँ ले लो फास्ट ट्रैक बच्चे ले लो जी आगे बढ़ते मालिक यूएसए से अरे भाई साहब अरे अरे हरिया यूएसए से महाराष्ट्र आ हा 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 इंडिया के बाहर से इंडिया मारिया है पहले यह तय कर लीजिए डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के मुताबिक टैक्स मिलेगा रे टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को ही मिलेगा क्या बॉर्डर बीच में है हाँ कंट्री का बॉर्डर बीच में है आई लगेगा आई जी फंड में जाएगा बंटवारा हो जाएगा कैसे कैसे आधा जाएगा सी जी 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 फंड में बाकी आधा जाएगा महाराष्ट्र जीएसटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा और आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं आईजीएसटी के साथ साथ इस पर इंपोर्ट ड्यूटी और लगाई जाती है इंपोर्ट ड्यूटी कब क्यों कैसे लगती है ये सीखेंगे आप सी फाइनल में कस्टम्स लॉ में जाकर राइट ओके okay, सर जी बिल्कुल ठीक बात सर बिल्कुल ठीक बात को दिक्कत वाली बात नहीं है तो ऐसे करके यहां पर इंटर एंटर की प्रैक्टिस हुई हमारी और कितने स्टेट और यूटीज हैं उनकी चर्चा हमारी हुई है और समय हमें कह रहा है कि आज के लिए हमें यहां पर इजाजत ले लेनी चाहिए मुझे बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी मालिक पहली क्लास थी और पहली क्लास में जो बातें होती हैं मैं जानता हूं कि बहुत सारी बातें तो आपने यहां वहां से इधर उधर से या खुद से जैसे भी है पढ़ रखी होती हैं बेसिक्स बातें हैं मैं आपको कुछ जानकारी और दे दूं हम इस बैच के अंदर जीएसटी पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल करके चलेंगे क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते जी नहीं सकते दूसरा हम यहां क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी अपनी करके चलेंगे यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव यह नहीं है कि भाई <laughs> मेरा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पेपर पास करवाना बात खत्म तुम्हारा पेपर पास मैं करवाऊंगा मेरी तरफ से काम करके चलना टेस्ट आंसर शीट आपको वापस दी जाएगी चैप्टर वाइज पूरे के पूरे टेस्ट इसमें करवाए जाएंगे ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है ठीक है जी सर कल की टाइमिंग बताइए देखो मैं पांच से आठ रखूंगा साढ़े आठ ज्यादा समय हो जाता है पांच से आठ क्लास रखा करेंगे हम इवनिंग में हर रोज टका टक टका टक नॉन स्टॉप विदाउट छुट्टी विदाउट छुट्टी आठ पांच से आठ मालिक शाम को पांच से आठ बजे सारे काम छोड़कर बस मुझे अपना समय दीजिएगा बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा ठीक है एक काम करते फटाफट से आइए और आज हमने क्या सीखा जरा उसका फटाफट से एक रिकैप पकड़ लेते हैं ठीक हमारी शुरुआत हुई छोटे से परिवार के साथ में किसी भी बड़े काम की शुरुआत इतने से ही होती है तो हम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं लेकिन हमारे कुछ कॉमन नीड्स भी हैं हमारे इस 140 करोड़ लोगों के परिवार की उसको पूरा करती है सरकार इसलिए वो हमारी कमाई में से छोटा सा बाइट निकालती है री निकालती है लीगल तरीके से निकालती है कोई अवैध तरीके से नहीं लेती है उस बाइट को ही टैक्स का नाम दे दिया जाता है टैक्स में दो प्रकार के आते हैं एक आपका आता है डायरेक्ट टैक्स एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर आता है जो जिसके ऊपर लगता है लोड उसी के ऊपर पड़े तो ये डायरेक्ट है और लगे यहां और दर्द कहीं और हो जाए तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे करके है एक महान प्रिंसिपल का नाम लिया मैंने डेस्टिनेशन प्रिंसिपल टैक्सेस उस कंट्री या स्टेट को मिलते हैं जहां पर गुड्स या सर्विस को अल्टीमेटली कंज्यूम किया जाता है क्योंकि पैसा वहीं के जो निवासी हैं उनकी जेब से निकला है और वह डेवलपमेंट की बारिश बनकर उन्हीं के ऊपर बरसना चाहिए झमाझम जम बरसना चाहिए तभी तो मजा आएगा ना तभी टैक्स देने में मजा आएगा फिर मैंने यहां पर करेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया हर क्लास में कम से कम एक डेमो मैं आपको देकर चलूंगा कम से कम बता रहा हूं ज्यादा भी हो सकते हैं ताकि कंप्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसानी से हम सीख सकें क्रेडिट कॉन्सेप्ट एंड आईडी की अगर हम बात करके चलते हैं मालिक तो हमने देखा कि जो जितनी वैल्यू एड करता जा रहा है फाइनली उसी को उस पर ही टैक्स भरना पड़ रहा है हमने फिर यह भी देखा कि वाई सरकार ने यह खेल क्यों बना रखा कि हर स्टेप पर टैक्स लगाती है और उसके बाद उसका क्रेडिट दे देती है ताकि पाइपलाइन में कहीं कोई लीकेज ना हो जाए इसलिए सरकार ऐसा यहां पे करके चलती है साहेब। उसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ टैक्सेस क्या हैं। तो फीचर्स में पता लगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इंडायरेक्ट हमने बहुत शिद्दत के साथ देखा पढ़ा पर एग्जाम में ना पूछा जाएगा मैं आपको बता के चल रहा हूं इस चीज को एलिमेंट्री चीजें हैं आपकी फिर हमने देखा कि आखिरकार जीएसटी आपका क्यों आया तो मुख्य रूप से चार वजह रही मल्टीपल टैक्स को सिंगल टैक्स कर दिया गया था मल्टीपल प्रोसीजर को सिंगल प्रोसीजर में तब्दील कर दिया गया है आपका कास्केडिंग डबल टैक्सेशन पहले अपने हुआ करते थे अब ये आपके लगभग खत्म है कद्दू का कहीं मिल जाए तो मिल जाए वरना ना मिलेगा यहां से कथा शुरू हुई जीएसटी की आखिरकार जीएसटी क्या है जीएसटी गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगने वाला ये एक टैक्स है

CGST प्लस एस और अगर यूटी में हो रही है इंट्रा तो CGST प्लस यूटी की बात करेंगे उसके बाद अगर क्रॉस बॉर्डर हो रहा है तो वहां पर हम IGST की बात करके चलते हैं हमने देखा कि भाई हमारे पास आज के डेट में कुल मिलाकर 28 नेचुरल स्टेट हैं ठीक नंबर दो हमारे पास में तीन मिक्स यूटीज हैं दिल्ली है पांडिचेरी जम्मू कश्मीर लद्दाख को छोड़कर जो मिक्स यूटी है उनको भी डीम्ड स्टेट कहा गया है तो कुल मिलाकर हमारे पास इकतीस स्टेट हो जाते हैं और जहां तक सवाल है हमारे पास यूटीज का तो यूटी शुरुआत दौर में हमारे पास पांच थी एक हुआ वहां पर आ, मर्जर एक हुआ डी मर्जर लद्दाख नाम की एक नई यूटी बढ़ी और दो प्योर यूटी का मर्जर होने से एक प्योर यूटी आपकी घट गई तो अल्टीमेटली यूटी की संख्या भी आपकी पांच ही यहां पर मालिक आ जाती है ऐसे करके तो एज ऑफ नाउ स्टेट और पांच अपनी प्योर यूटी देखने में नजर में नजर आती हैं और अकॉर्डिंगली हम इसकी खूब सारी यहां पर प्रैक्टिस करी है अपनी कल की बातों को हम यहां से शुरू करके चलेंगे अगले अपने डिस्कशन से जीएसटी लॉ से आज के लिए इतना ही थैंक यू और सो मच और बाय और टाटा समक्ष शर्मा सर आज हैंडसम लग रहे हो मेरा बच्चा लग रहे हैं क्या मतलब हैंडसम है हैंडसम है लगने क्या मतलब है हा सर पूरा ये यूट्यूब पर आएगा नहीं पूरा यूट्यूब पर नहीं आएगा एग्जाम्परेटेड थैंक यू सो मच और बाय है और टाटा है और लव यू है आप छोटी सी बात बता दू मैं आपको सुनो जरा छोटी सी बात आपके लिए ये है कि मैं बता दूं भगवान झूठ ना बुलाए बाबू मेरे हाँ हां तो एक जरूरी सूचना है आपके लिए जरा ध्यान से सुनिएगा सर जी गबरू है क्या गबरू है बे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा सीए इंटरमीडिएट जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच शुरू हो चुका है आपके लगातार ये आए इवन आज की पहली क्लास में भी ये क्वेश्चन आए कि बैच के फीचर्स तो बताओ क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा बताते हैं हम अपने हर बैच के अंदर जीएसटी पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं सो so, इस बैच के अंदर भी ये सी और सर सीएमए के लिए है oh, yes. का जो आईडी या जीएसटी कह लीजिए ये जो एग्जाम ओरिएंटेड अपना बैच है मैं इसकी बात यहां आपसे करके चल रहा हूं जीएसटी पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और इंस्टीट्यूट ने तो मैंडेट भी कर रखा है दूसरा सर यहां पर जो बच्चा फेल हो जाता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस ना होना मैं आपको जो भी टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं सारे कराऊंगा सारे टॉप नॉच क्वेश्चन सारे कराऊंगा और हर चैप्टर से कम से कम एक क्वेश्चन का एग्जाम कंडीशन में आपको आंसर कैसे लिखना है वो लिखकर दिखाऊंगा मैं लिखूंगा कि बेटा देख ऐसे हेडिंग बनाना ये लिख के आना ऐसे से करना बिल्कुल एग्जाम में अगर आप लिखोगे तो वही उसी तरीके से आप लिख के आओगे और एक क्वेश्चन दूंगा आपको लिखने के लिए कि भाई आप लिखो और अगर आप नहीं लिखोगे तो मेरे पास लठ भी है यहां पर जितना प्यार करूंगा उतना लठ भी बजाऊंगा कमर तोड़ सकता हूं लड़का लड़की में भेद नहीं करता मैं इस मामले में ठीक है हाँ कहीं सोचा कि हम तो बच जाएंगे हम नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं पास जो कराना है आपको मैं पास करा के मानूंगा बेईमानी मत करना मेरे साथ में जैसा मैं कहूं वैसे करते रहना पास ना हो जाओ तो कहिएगा ठीक है जी उसके बाद फिर आपका चैप्टर खत्म होते ही एवरी चैप्टर का आपका लिया जाएगा टेस्ट तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ टेस्ट होगा चैप्टर का मेरे पास पूरी सीरीज बनी हुई है चैप्टर वाइज टेस्ट की चैप्टर खत्म हुई नेक्स्ट डे आपका टेस्ट हो रहा है और आप टेस्ट दे रहे हैं और उसके सेवन डेज के भीतर भीतर आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिल जाएगी मेरा डेटा बता देगा कि किस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया है किसने नहीं दिया है किसने दिया किसने नहीं दिया है जिसने नहीं दिया है उसकी ऐसी तैसी डंडा मेरे पास में यहां पर है ठीक है तो क्वेश्चन आंसर हो गए जीएसटी पोर्टल हो गया टेस्ट अपने हो गए और हम अपना डेमो देकर चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए डेमो का इस्तेमाल यहां पर मालिक किया जाता है तो मैंने जैसा आज की क्लास में भी आपको डेमो दिया है तो यहां पर हम आपको हर जहां पर हमें जरूरत रहेगी वहां पर हम अपने क्लासेस के अंदर आपको डेमो देकर चलेंगे तो ये सारे फीचर्स के साथ हमारी क्लास लोड रहेगी ठीक और ऐसे करके तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय बाय टाटा एंड ढेर सारा लव यू है आप लोगों के लिए बाय बाय